हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स री इनकारनेशन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वर्ड गॉड चैप्टर दो टू 2160 जैसे ही दो शिखर विशेषज्ञ उड़ान भरने लगे हेवनली डेमन टीम में हर कोई स्तब्ध रह गया दो शिखर विशेषज्ञों का समर्थन करने वाले छह बहते जल विशेषज्ञ अथर्व पर हमला करना भी भूल गए वे बिल्कुल अविश्वास से अपने सामने वाले आदमी को देखते रहे अगर अथर्व ने अभी अभी जिन दो खिलाड़ियों को उड़ान के लिए भेजा है वे कोई अन्य शिखर विशेषज्ञ होते तो अधिकतम छह लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हालांकि वे ठीक ठीक जानते थे कि वे दो शिखर विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली थे दो शिखर विशेषज्ञों के युद्ध मानकों को एक तरफ रख दें तो अकेले उनके हथियार और उपकरण पहले से ही वर्तमान गॉड्स डोमेन सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ माने गए थे दोनों शिखर विशेषज्ञ न केवल लेवल पैंसठ डार्क गोल्ड इक्विपमेंट में पूरी तरह से सक्षम थे बल्कि दोनों ने एपिक हथियार भी इस्तेमाल किए थे इसके अलावा दोनों शिखर विशेषज्ञ निडर थे ताकत की प्रतिस्पर्धा में वे सीधे अपने गिल्ड के डोमेन क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी भिड़ सकते हैं जो तीन या चार महाकाव्य हथियारों और उपकरणों का दावा करते हैं इन सबके बावजूद अथर्व ने न केवल इन दोनों शिखर विशेषज्ञों को उड़ा दिया बल्कि उनके हथियार भी सख्त कर दिए उसकी ताकत इतनी अधिक कैसे है जान बैया भी अथर्व को घूरते हुए दंग रह गया उड़ान भरने वाले दो शिखर विशेषज्ञ समान स्तर के ग्रेट लॉर्ड्स की प्रतिद्वंद्वी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे वे सामने वाले टकराव में ताकताधारित ग्रेट लॉर्ड्स के खिलाफ भी अपनी पकड़ बना सकते थे हालांकि अथर्व ने सहजता से दो शिखर विशेषज्ञों के संयोजन हमले को विफल कर दिया और दोनों को उड़ान भरने के लिए भेजा केवल समान स्तर के ग्रैंड लॉर्ड्स ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते थे एक स्तर का विशेषज्ञ जिसके पास समान स्तर के महान स्वामी की ताकत है जानबैया के इस बिंदु तक सोचने के बाद उसका रंग अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया इससे पहले कि हेवनली डेमन टीम के सदस्य अप्रत्याशित घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया कर पाते अथर्व ने एक कदम आगे बढ़ाया उसके हाथों में दो तलवारें अचानक रोशनी की चमकदार रेखाओं में बदल गईं अगले ही क्षण उसके चारों ओर प्रकाश का एक सुंदर कमल खिल गया तलवार का स्थानांतरण बारह तलवार की रोशनी तुरंत अथर्व के चारों ओर निष्क्रिय खड़े छह बहते जल क्षेत्र विशेषज्ञों को भेज देती है हालांकि इन छह विशेषज्ञों ने हमलों को भांप लिया था लेकिन बारह तलवार की रोशनी उनके प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज थी इसके अलावा तलवार की रोशनी उनके रक्षात्मक अंधे स्थानों पर सटीक निशाना लगाती थी अंत में वे केवल यह देख सके कि तलवार की रोशनी उनके शरीर से होकर गुजर रही थी एक क्षण बाद सभी छह बहते जल क्षेत्र विशेषज्ञ अथर्व के चरणों में गिर पड़े पूरी प्रक्रिया इतनी तेज़ थी कि पिछली पंक्ति के उपचारकर्ताओं को अपना उपचार मंत्र शुरू करने का मौका ही नहीं मिला इतना मजबूत इस तरह की गति और ताकत के साथ हमारे गिर्ड की वह पुरानी चीज भी उससे कमतर हो सकती है शेंग ने आश्चर्य से कहा जब स्काई ड्रैगन हाउस के सदस्यों ने शेंग वूजी की टिप्पणी सुनी तो वे आश्चर्य और भय से अथर्व को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके शेंग वूजी स्काई ड्रैगन हाउस के मुख्य स्तंभों में से एक था पूरे गिल्ड में केवल तीन लोग थे जिन्हें शेंग वूजी पुरानी चीज के रूप में संदर्भित करते थे और वे ऐसे अस्तित्व थे जिनके साथ उनके गिल्ड लीडर को भी अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था इन तीन लोगों द्वारा पहने गए उपकरणों के संबंध में गिल्ड में सभी प्रकार के अनुमान लगाए गए थे हालांकि सर्वसम्मति यह थी कि इन तीन लोगों में से प्रत्येक के पास एपिक उपकरण के कम से कम सात टुकड़े थे निस्संदेह वे उपकरण मानकों के मामले में गॉड्स डोमेन शीर्ष पर खड़े थे अब हालांकि शेंगूजी ने वास्तव में कहा कि अथर्व ने बुनियादी विशेषताओं में इन तीन लोगों में से एक को पीछे छोड़ दिया ऐसा कैसे संभव हो सकता है फिर भी ये शब्द सीधे शेंगबूजी के मुँह से निकले थे इसलिए हॉर्नेट ड्रैगन टीम के सदस्यों के पास इन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था आखिरकार शिंग भूजी स्काई ड्रैगन हाउस के राक्षस राक्षसस्त्र के विशेषज्ञों में से एक थे उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान उनसे कहीं बढ़कर था चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था तो 90 परसेंट संभावना थी कि यह सच था केवल वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि जीरो विंग जैसा छोटा गिड अथर्क को इस हद तक सुसज्जित करने में कैसे कामयाब रहा खिलाड़ियों को अपने हथियारों और उपकरणों का उचित उपयोग करने के लिए उनके साथ अनुकूलता की आवश्यकता होती है महाकाव्य हथियार और उपकरण भी इसके अपवाद नहीं थे खिलाड़ी उन हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके अपनी बुनियादी विशेषताओं को मजबूत कर सकते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले थे लेकिन कम अनुकूलता वाले थे हालांकि ऐसा करने से वे न केवल अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने में असफल होंगे बल्कि इसे कम भी कर देंगे से यह स्पष्ट था कि वह उन हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर रहा था जो उसके अनुकूल थे हालांकि उच्च अनुकूलता वाले एपिक उपकरण के साथ या अधिक टुकड़े प्राप्त करना बेहद कठिन था पहला कारण महाकाव्य वस्तुओं की दुर्लभता थी दूसरा कारण कुछ उपकरण भागों की उच्च पुनरावृत्ति दर थी खेल के इस चरण में प्रथम श्रेणी के गिल्ड के पास 20 या 30 महाकाव्य आइटम हो सकते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश सिर शीश और पैरों के लिए थे शरीर के अन्य भागों के लिए वस्तुएं जैसे केप बेल्ट और पॉलिड्रोन अल्पमत में थे कुछ प्रथम श्रेणी गिल्डों के पास इन भागों के लिए महाकाव्य उपकरण भी नहीं हो सकते हैं इसलिए खिलाड़ियों को एपिक उपकरण के साथ या अधिक टुकड़े प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा जो उनके अनुकूल थे सुपर गिल्ड के सदस्य कोई अपवाद नहीं थे इस बीच अथर्व द्वारा हेवनली डेमन टीम के छह बहते जल क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के बाद जान बैया ने अब स्थिति को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की उसने तुरंत बैंगनी सोने की औषधि की एक बोतल निकाली औषधि की बोतल मन पत्थर से बनी थी और औषधि से सघन सघनमन निकलता था जिसे कई दर्जन गज दूर से भी महसूस किया जा सकता था हेवनली डेमन टीम के चार अन्य खिलाड़ियों ने भी वही औषधि निकाली और पी ली जैसे ही पांचों खिलाड़ियों ने औषधि पी एक बैंगनी सोना दिव्य ऋण अचानक उनके सिर पर प्रकट हुआ उनके शरीर से निकलने वाली आभा की तीव्रता भी आसमान छू रही थी क्या स्वर्गीय दानव टीम ने वास्तव में पांच दिव्य सुरक्षा औषधियां तैयार की जब शेंग बुजी ने पांचों खिलाड़ियों द्वारा पिए गए औषधि को देखा तो उसके मुंह के कोने थोड़े हिल गए दिव्य सुरक्षा औषधि केवल फायर ड्रैगन साम्राज्य के प्राचीन खंडहरों से ही प्राप्त की जा सकती थी प्रत्येक बोतल का मूल्य एक महाकाव्य वस्तु के बराबर था और यहां तक कि उनके नेतृत्व वाली हॉर्नेट ड्रैगन टीम ने भी केवल दो बोतलें तैयार की थीं जिन खिलाड़ियों ने दैवीय सुरक्षा औषधि का सेवन किया उन्हें अस्थायी रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे उनकी जीवन रेटिंग में महत्वपूर्ण अंतर से सुधार हुआ बेशक औषधि केवल टीयर तीन या उससे नीचे के खिलाड़ियों के लिए प्रभावी थी आमतौर पर जब टीयर दो खिलाड़ी औषधि का सेवन करते हैं तो उन्हें टीयर तीन मानक के करीब बुनियादी गुण प्राप्त होते हैं अब जबकि हेवनली डेमन टीम के पांच खिलाड़ियों ने दिव्य सुरक्षा औषधि का सेवन कर लिया था टीम को अनिवार्य रूप से पांच सेमिटियर तीन खिलाड़ी प्राप्त हुए ज्ञात हो कि गॉड्स डोमेन स्तरों के बीच अंतर बहुत बड़ा था हालांकि हेवनली डेमन टीम के पांच खिलाड़ियों को अभी केवल सेमिटियर तीन खिलाड़ी ही माना जा सकता है लेकिन वे जिस युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं वह अभी भी टीयर दो खिलाड़ियों द्वारा हासिल की जाने वाली किसी भी चीज़ को पार कर जाएगी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है दिव्य सुरक्षा औषधि का सेवन करने वाले पांच खिलाड़ियों में से चार चरम विशेषज्ञ थे और एक राक्षस स्तर का विशेषज्ञ था अगले ही पल पांचों खिलाड़ियों ने अथर्व के साथ लड़ाई शुरू कर दी दोनों पक्षों के हमलों ने उनके आसपास भारी तबाही मचाई दूर से इन छह खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई से ज्यादा राक्षसों के बीच की लड़ाई की तरह लग रही थी अभी हेवनली डेमन टीम के पांच खिलाड़ियों में से किसी एक के पास राक्षस स्तर के विशेषज्ञों को हराने की युद्ध शक्ति थी वे मैदानी युद्ध में रणनीतिक मिसाइलों के समान थे जो अकेले ही सामान्य विशेषज्ञों की एक हजार सदस्यीय टीम को मारने में सक्षम थे वे भयावह अस्तित्व थे जो मूल रूप से अजय थे लड़ाई के उच्च मानकों के कारण हेवनली डेमन टीम के अन्य सदस्य लड़ाई में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सके उन्हें किनारे से देखने के लिए छोड़ दिया गया हालांकि इस समय अथर्व भी उतना ही भयानक था इन पांच खिलाड़ियों के संयुक्त हमले का सामना करने के बावजूद अथर्व वास्तव में केवल मामूली नुकसान में था हर कोई थोड़ी देर और रुको यह स्थान अथाह रसातल है यह सहनशक्ति की खपत बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक है अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा जान बैया ने अथर्व को उनके हमलों से बचने के लिए उत्सुकता से देखते हुए व्यंग्य करते हुए कहा एक बार जब उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी तो वह मर जाएगा वर्तमान में अथर्व का बचाव व्यावहारिक रूप से उत्तम था उसने लगातार उनके सभी हमलों को विफल कर दिया जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे व्यर्थी हवा में बां कर रहे थे परिणामस्वरूप प्रत्येक हमले से उसे बमुश्किल कोई नुकसान हुआ हालांकि अथर्व इस समय पूरी क्षमता से उनके खिलाफ लड़ रहा था उसकी पांचों इंद्रिया और मानसिक स्थिति लगातार अपनी सीमा तक धकेली जा रही थी ऐसा करने से उसकी सहनशक्ति और एकाग्रता पर जबरदस्त बोझ पड़ेगा अथा रसातल में अत्यधिक बढ़ी हुई सहनशक्ति और एकाग्रता की खपत के साथ तलवारबाज इस लड़ाई में बहुत लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा इसके विपरीत उनमें से पांचों को दिव्य सुरक्षा औषधि का सेवन करने के बाद उनकी जीवन रेटिंग में गुणात्मक सुधार प्राप्त हुआ स्वाभाविक रूप से उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता में भी सुधार हुआ था कहने की जरूरत नहीं है वे अथर्व की तुलना में बहुत कम सहनशक्ति और एकाग्रता खर्च कर रहे थे इससे पहले कि वे उसे मौत के घाट उतार देते यह केवल समय की बात थी क्या ऐसा है जानबैया के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव को देखते हुए अथर्व ने स्वर्गीय दानव तीन से दूर हटते हुए छलांग लगा दी तुम दौड़ना चाहते हो यह इतना आसान नहीं होगा जब अथर्व पीछे हट गया तो जानबैया ने तुरंत आदेश दिया शून्य जादू सरणी को सक्रिय करें चाहे कुछ भी हो उसे भागने मत देना अगले ही पल हेवनली डेमन टीम के दो दर्जन से अधिक सदस्यों ने अपने बैग से एक मैजिक एरे स्क्रॉल निकाला फिर उन्होंने अथर्व को एक जादुई बाधा के अंदर फंसाकर स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया ब्लैक फ्लेम अब समाप्त हो गया है वॉय्ड मैजिक एरे न केवल खिलाड़ियों को भागने से रोकता है बल्कि उनकी मूल विशेषताओं को लगभग बीस तक दबा देता है जब गुजी ने वॉयड मैजिक एरे को तैनात होते देखा तो उन्होंने अनायास ही आह भरी हालांकि मुझे डर है कि गॉड्स डोमेन केवल कुछ ही लोग हेवेनली डेमन टीम को इतनी हद तक जाने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं ब्लैक फ्लेम को इस लड़ाई पर गर्व हो सकता है होम्ड ड्रैगन टीम के सदस्यों ने भी शेंग बुजी की बातों से सहमति जताई हेवनली डेमन टीम प्राइड एम्पायर कार्ड टीम कार्ड टीम की मुख्य ताकत के बाद दूसरे स्थान पर थी टीम ने पहले भी कई राक्षस राक्षस्तर के विशेषज्ञों को मार डाला था हालांकि जो विशेषज्ञ हेवनली डेमन टीम को पूरी ताकत झोंकने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे थे उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है अगर इस बात की खबर फायर ड्रैगन साम्राज्य में फैल जाती तो निश्चित तौर पर पूरे साम्राज्य में सनसनी फैल जाती जैसे ही शेंग वूजी ने बोलना समाप्त किया अथर्व ने अचानक चलना बंद कर दिया वह बस चुपचाप देखता रहा जब बैया के पांच लोगों का समूह उस पर हमला कर रहा था अब हार मान रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप बच नहीं सकते जानबैया ने हंसते हुए देखा जब उसने देखा कि अथर्व ने हिलना बंद कर दिया है कोलाहलयुक्त बया पर एक नजर डालते हुए अथर्व ने डीप सी मेडिटेशन को सक्रिय किया और आगे बढ़ गया अचानक अथर्व की आभा बदल गई मानो वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया हो उसकी आभा अब इतनी हिंसक थी कि किनारे से देख रहे शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई इसके अलावा लाइफ रेटिंग में अंतर के कारण भी उन्हें दबाव महसूस हुआ अथर्व की लाइफ रेटिंग से पहले जानबैया के पांच लोगों के समूह की लाइफ रेटिंग भी महत्वहीन लग रही थी यह कैसे संभव है जब जानबैया ने अथर्व की आभा को महसूस किया तो उसकी आंत ने वास्तव में उसे चेतावनी दी कि उसका अथर्व से कोई मुकाबला नहीं है हालांकि जैसे ही जानबैया पीछे हटने पर विचार कर रहा था अथर्व अचानक उसके सामने आ गया टियर दो वर्जित कौशल त्वरित रहा तलवार का स्थानांतरण अथर्व की तलवारों से बीस से अधिक तलवारें इतनी तेजी से उड़ी कि वे नग्न आंखों से अदृश्य हो गईं। जब तलवार की रोशनी गायब हो गई तो झनबैया के पांच लोगों का समूह एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगा जानबैया की मौत पर पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया पास में मौजूद हेवनली डेमन टीम के सदस्य मौके पर ही बेहोश हो गए यहां तक कि पीछे की पंक्ति के उपचारक जो लगातार उपचार मंत्र दे रहे थे जान बैया की लाश को देखकर ठिठक गए जहां तक शेंगबुजी पर्पल जेड़ और अन्य दर्शकों की बात है जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें लगभग झुक गईं बकवास क्या वह सचमुच एक खिलाड़ी है इस समय शेंग वूजी भी मदद नहीं कर सके लेकिन जोर से शाप दे सके वह इस नतीजे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सका जान बैया हेवनली डेमन टीम के कमांडर थे और उन्हें घोस्ट मैच का उपनाम दिया गया था मंत्रों से उसके हाथों में जीवन प्राप्त होगा जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्रों को जोड़ा और समन्वयित किया वह कुछ ऐसा था जो डोमेन क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल था कहने की जरूरत नहीं है उन्होंने इस लड़ाई के लिए दैवीय सुरक्षा औषधि का भी सेवन किया था फिर भी अथर्व एक ही बार में जान बैया को मारने में कामयाब रहा इसके अलावा उसने इतनी तेजी से हमला किया था कि उसके पास अपने किसी भी जीवन रक्षक कौशल का उपयोग करने का समय भी नहीं था उसने क्या किया पर्पल जेड ने बिल्कुल अविश्वास के साथ गूगल पर सर्च किया और उसने अथर्व को देखा जो युद्ध के मैदान में गर्व से खड़ा था शुरू से अंत तक उसे केवल एक ही बात का यकीन था कि अथर्व अचानक जान बैया के समूह के सामने आ गया था जिसके बाद एक चमकदार फ्लैश दोनों पक्षों के बीच की दूरी को पार कर गया था बाद में जान बैया का पांच लोगों का समूह जमीन पर गिर गया बीच में जो कुछ भी हुआ वह उसकी पांचों इंद्रियों से बच गया था ज्ञात हो कि वह पहले ही शून्य लोक में पहुंच चुकी थी वह अपनी पांचों इंद्रियों को उनकी सीमा तक सीमित कर सकती थी और अपने परिवेश को स्पष्ट रूप से देख सकती थी भले ही कोई क्रिया नग्न आंखों के लिए बहुत तेज हो फिर भी वह क्रिया उसकी सभी इंद्रियों से बच नहीं सकती थी गुप्त मंडप के पुराने राक्षस भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके फिर भी वह वास्तव में अथर्व की हरकतों को समझने में असफल रही थी इस बीच युद्ध के मैदान में वापस आने के बाद जब अथर्व ने जानबैया के पांच लोगों के समूह को मार डाला तो उसने शांति से हेवनली डेमन टीम के बाकी सदस्यों पर अपनी नज़र डाली और पूछा क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं हालांकि अथर्व बहुत तेज नहीं बोलता था लेकिन उसकी आवाज़ शांत युद्ध के मैदान में तेज और स्पष्ट थी अथर्व की बातें सुनकर हेवनली डेमन टीम के सदस्यों को अचानक ऐसा लगा जैसे उन्हें अभी अभी मौत की सजा मिली हो और सभी निराशा में पड़ गए यहां तक कि टीम के शेष दो शिखर विशेषज्ञ जो मूल रूप से कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे ने भी अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया उन्होंने अथर्व से नजरें मिलाने से परहेज किया कहीं ऐसा न हो कि वह इसे गलत समझ ले और इसे चुनौती समझ ले आखिरकार अगर जान बैया जैसे डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ को भी इतनी आसानी से मार दिया गया तो उनमें से बाकी लोग अथर्व के ख़िलाफ़ क्या कर सकते थे अब लड़ाई जारी रखने का विकल्प चुनने से केवल हेवनली डेमन टीम को अतिरिक्त नुकसान होगा तुरंत अथर्व को घेरने वाला जादुई अवरोध टूट गया और प्रकाश के अनगिनत कणों में विकटित हो गया इस दृश्य ने युवान ताइक्सिन को स्तब्ध कर दिया जो अभी अभीअभी युद्धस्थल पर पहुंचे थे उनका दिमाग यह पता लगाने में असमर्थ था कि क्या हो रहा था इससे पहले युआन टाइक्सिन द्वारा अथर्व को स्थिति समझाने के बाद जीरो विन के गिड लीडर बिना किसी हिचकिचाहट के स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर की टीमों के स्थान की ओर दौड़ पड़े थे चूंकि अथर्व की गति बेहद तेज थी युआन टाइकसिन जल्द ही पीछे छूट गया युद्ध के मैदान की ओर भागते समय युआन टाइकसिन ने जादुई अवरोध को प्रकट होते देखा और तुरंत जान लिया कि स्थिति खराब हो गई है अथर्व ने दो सुपर गिड के सदस्यों के साथ झगड़ा किया होगा अन्यथा ऐसी जगह पर उच्च स्तरीय जादुई अवरोधक का उपयोग नहीं किया जाता हालांकि जादुई अवरोध ऊपर जाने के कुछ ही सेकंड बाद यह वास्तव में विकटित होना शुरू हो गया यहां तक कि युवान ताइक सिन भी अपने भरपूर अनुभव के बावजूद यह पता नहीं लगा सका कि अभी क्या हुआ था हालांकि जब युवान ताइक सिन ने जैनबैया की लाश को जमीन पर पड़ा देखा और हेवनली डेमन टीम के सदस्यों के चेहरों पर निराशा के भाव देखे तो वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गया जानबैया कौन थे स्वर्गीय दानव टीम क्या थी ये ऐसी बातें थीं जिन्हें वह गुप्त मंडप के एक बुजुर्ग के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से जानता था हेवनली डेमन टीम का प्रत्येक सदस्य विशेषज्ञों में विशेषज्ञ था उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और प्राइड एम्पायर के लिए अनगिनत उपलब्धियां भी हासिल की वे सभी अतुलनीय रूप से अहंकारी लोग थे और किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना होने पर मौत तक लड़ने को तैयार रहते थे वे निश्चित रूप से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटेंगे अब हालांकि युवान ताइक्सिन ने हेवनली डेमन टीम के सदस्यों को चाहे जिस नजर से भी देखा हो उन्हें उनके चेहरे पर लड़ने की भावना का कोई निशान नहीं मिला जब वे अथर्व को देखते थे तो उनकी आंखों में सिर्फ डर ही डर भरता था एल्डर युवा गुप्त मंडप वास्तव में अद्भुत है सोचिए आपके पास ऐसा कोई तुरुक का पत्ता छिपा होगा शिंग भूजी ने युवान ताइक्सिन के पास पहुंचते हुए कहा मैं आपकी सच्ची प्रशंसा करता हूं कुछ अनिच्छा के साथ उन्होंने जारी रखा हॉर्नेट ड्रैगन टीम इस बार स्टोन फॉरेस्ट टाउन के लिए संघर्ष छोड़ देगी हालांकि समझें कि यह केवल हॉर्नेट ड्रैगन टीम ही है जो हार मान रही है इसका मतलब यह नहीं है कि स्काई ड्रैगन हाउस भी हार मान रहा है जब युवान ताइक ने शेंग शेंगबूजी की बातें सुनी तो उनकी अभिव्यक्ति भावहीन रही हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था इस समय वह खुद को रोक नहीं सका लेकिन काश वह जोर से चिल्लाता और पूछता कि अथर्व ने क्या किया है सर्वशक्तिमान होमर ड्रैगन टीम बिना कोई लड़ाई किए ही क्यों झुकना चाहेगी इससे पहले कि युवान ताइक अपनी भावनाओं को सुलझा पाता शेंगबूजी पहले ही अपनी टीम को मरे हुए जंगल से दूर ले जा चुके थे शेंग शेंगबूजी ने यहां एक पल भी रुकने और अपनी टीम के विनाश का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की यह पुष्टि करने के बाद ही कि हॉर्नट ड्रैगन टीम और हेवनली डेमन टीम युद्ध के मैदान से बाहर चली गई है युवा टाइगसिन ने पर्पल जेड से पूछा कि क्या हुआ था बिना कोई विवरण खोए पर्पल जेड ने युवान टाइक्सिन को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था तो मामला यही है अगर यह मेरे ऊपर होता तो संभवतः मैं भी शेंगबूजी जैसा ही निर्णय लेता युवान टाइक्सिन ने शेंगबूजी और अन्य लोगों की दिशा को देखते हुए एक कड़वी मुस्कान प्रकट की चौंकाने वाला शब्द अब इस तथ्य का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अथर्व ने जान बैया को तुरंत मार डाला था जिसने दिव्य सुरक्षा औषधि का सेवन किया था हालांकि हेवनली डेमन टीम और हॉर्नड ड्रैगन टीम के सदस्य घमंडी थे लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे यदि आशा की थोड़ी सी भी किरण होती तो वे निश्चित रूप से कड़वे अंत तक लड़ने का विकल्प चुनते हालांकि पूर्ण शक्ति के विरुद्ध उनके पास जो संख्याएं थीं वे पूरी तरह से निरर्थक थीं व्यर्थ में खुद को मरवाने के बजाय यह कहीं बेहतर होता अगर वे जल्दी ही हार मान लेते और अपनी ताकत बचाए रखते इस बिंदु तक सोचते हुए युआन ताइक्सिन अथर्व की ओर अविश्वसनीय दृष्टि डालने से खुद को नहीं रोक सका वह खुद को इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अथर्व के पास वास्तव में इस तरह की ताकत है अथर्व नीलामी क्षेत्र के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत था उनकी वृद्धि हास्यास्पद थी हालांकि युआन टाइक्सिन को यह नहीं पता था कि वास्तव में अथर्व बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं था हालांकि उनकी वर्तमान बुनियादी विशेषताएं वास्तव में उस समय से बेहतर थीं जब उन्होंने नीलामी क्षेत्र में भाग लिया था लेकिन उनकी युद्ध शक्ति में समग्र सुधार बेहद सीमित था एकमात्र कारण जिसके कारण वह अभी इतनी महान शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था वह एक युद्ध तकनीक के साथ एक टैबू कौशल का संयोजन था जहां तक गहरे समुद्र में ध्यान की बात है हालांकि गुप्त कानून ने खिलाड़ियों को अपनी गुप्त क्षमता का दोहन करने की अनुमति दी लेकिन इससे उपयोगकर्ता की सहनशक्ति और एकाग्रता पर भारी असर पड़ा अथाह रसातल जैसी जगह पर गुप्त कानून का उपयोग करने से केवल इसकी खामियों को बढ़ाने का काम किया गया इसी तरह स्वर्ड के ट्रांसमाइग्रेशन और इंस्टेंट स्ट्राइक के संयोजन ने भी उसकी सहनशक्ति और एकाग्रता पर भारी मांग रखी जब उसने इन सभी चीज़ों का एक साथ उपयोग किया तो उसकी सहनशक्ति और एकाग्रता खत्म हो गई जैसे कि कल था ही नहीं उसने जान बैया के पांच लोगों के समूह को मारने के लिए अपनी कुल सहनशक्ति और एकाग्रता का आधे से अधिक खर्च कर दिया था वह दूसरी बार इस कदम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा यदि हेवनली डेमन टीम और हॉर्नेट ड्रैगन टीम ने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया होता तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता इस बीच हॉर्नेट ड्रैगन टीम की ओर से टीम के सदस्यों के चेहरे पर फिलहाल राख के भाव थे उनके दिल हताशा से भरे हुए थे कमांडर क्या हम सचमुच ऐसे ही जा रहे हैं गिर्ज लीडर ने हमें स्टोन फॉरेस्ट टाउन को सुरक्षित करने का निर्देश दिया चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े और भले ही इसे सुरक्षित करना हमारे लिए संभव न हो हम निश्चित रूप से अन्य शक्तियों को इसे हासिल नहीं करने दे सकते एक लेवल सड़सठ रेंजर ने चिंतित होकर पूछा शेंगभूजी में उनके गिल्ड लीडर के आदेश पूर्ण थे यदि वे अब पूरी तरह से सुरक्षित लौट आए तो निश्चित रूप से उन्हें अपने गिल्ड लीडर का गुस्सा झेलना पड़ेगा आप किस विषय में चिंतित है स्टोन फॉरेस्ट टाउन के लिए संघर्ष अभी शुरू हुआ है भले ही हमने अब शहर सुरक्षित कर लिया फिर भी हमें कई महाशक्तियों के पूर्ण हमले का सामना करना पड़ेगा शेंग बूजी ने हंसते हुए उत्तर दिया उस तरह के हमले के खिलाफ भले ही हमारे स्काई ड्रैगन हाउस ने प्राइड एम्पायर के साथ काम किया हो जरूरी नहीं कि हम शहर की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम हो क्या आपको लगता है कि ब्लैक फ्लेम और सीक्रेट पवेलियन इसे अपने दम पर पूरा कर सकते हैं स्टोन फॉरेस्ट टाउन के लिए संघर्ष वास्तव में तभी शुरू हुआ माना जा सकता है जब विभिन्न महाशक्तियों के विशेषज्ञ इकट्ठे हों हमारी टीमें यहां केवल ही पर हैं अगर सीक्रेट पवेलियन और ब्लैक फ्लेम ने हमारे साथ काम किया होता तो स्टोन फॉरेस्ट टाउन की रक्षा करना निश्चित रूप से संभव होता दुर्भाग्य से उन्होंने एक गतिरोध पर जाने का फ़ैसला किया अब जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन को एक बेसिक सिटी में पदोन्नत कर दिया गया था तो इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली महाशक्तियों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि स्काई ड्रैगन हाउस को भी इस पर कब्जा करना चिंताजनक लगा यही कारण है कि स्काई ड्रैगन हाउस ने प्राइड एम्पायर के साथ साझेदारी करने का फ़ैसला किया था अथर्व बिल्कुल अप्रिपक्व था अगर उसने सोचा कि वह केवल गुप्त मंडप की मदद से स्टोन फॉरेस्ट टाउन की रक्षा कर सकता है इस बीच शेंग बूजी की टीम के अंडरएड फॉरेस्ट छोड़ने के कुछ ही समय बाद स्टोन फॉरेस्ट टाउन के चारों ओर अपारदर्शी जादुई बाधा अंतः गायब हो गई तभी सबकी आंखों के सामने एक नया शहर आ गया स्टोन फॉरेस्ट टाउन अब आधिकारिक तौर पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी था स्टोन फॉरेस्ट सिटी की उपस्थिति ने तुरंत अंडरएड फॉरेस्ट में मौजूद खिलाड़ियों के बीच हंगामा मचा दिया स्टोन फॉरेस्ट टाउन ने अंडेर फॉरेस्ट के केंद्र को घेरने वाले जादुई अवरोध से ढके क्षेत्र के केवल एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया था हालांकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी ने वास्तव में उस क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था हालांकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी के चारों ओर की दीवार डिफॉल्ट छह मीटर लंबी दीवार थी इस पर दैवीय दैबियरून उकेरे गए थे जो खिलाड़ियों को इस पर वॉल्टिंग करने से रोकते थे जब तक खिलाड़ी दीवार नहीं तोड़ते उनके पास मुख्य द्वार से शहर में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक क्षमताएं निस्संदेह उस समय की तुलना में बहुत अधिक थीं जब यह एक शहर था इसके अलावा एक शहर में पदोन्नत होने के बाद स्टोन फॉरेस्ट के अंदर के निर्माणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे विशेषकर जीरो विंग के निवास में अब निवास के अंदर स्थित गिल्ड हॉल साठ मीटर ऊंची इमारत में तब्दील हो गया था यह एक विशाल पर्वत जैसा दिखता था और कई हज़ार गज़ दूर से भी दिखाई देता था जीरो विंग के गिल्ड हॉल के बाद जिस संरचना में सबसे अधिक परिवर्तन हुए थे वह जीरो विंग नीलामी घर था जीरो विंग नीलामी घर एक उन्नत निर्माण था स्टोन फॉरेस्ट टाउन के स्टोन फॉरेस्ट सिटी बनने के बाद नीलामी घर बारह मंजिला ऊंची इमारत बन गया जिसने शहर की मुख्य सड़क के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया नीलामी घर पहले से ही सामान्य एनपीसी शहरों के नीलामी घरों से बड़ा था इसके अलावा नीलामी घर के अलावा शहर के अन्य निर्माणों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए क्या स्टोन फॉरेस्ट सिटी कुछ ज़्यादा ही आलिशान नहीं है पर्पल जेड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब वह स्टोन फॉरेस्ट सिटी में फैली ऊंची इमारतों को देख रही थी गुप मंडप के मुख्य सदस्य के रूप में उसने कई गिल्ड शहर देखे थे उन्होंने उनमें से कई की व्यक्तिगत रूप से जांच भी की थी हालांकि वह पूरी निश्चितता के साथ कह सकती है कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी उसके द्वारा देखे गए सभी गिर्ड शहरों की तुलना में बेहतर था वास्तव में स्टोन फॉरेस्ट सिटी वर्तमान जीरो विंड सिटी से भी अधिक शानदार दिखती थी यह बिल्कुल भी हाल ही में प्रचारित शहर जैसा नहीं लग रहा था इस समय पर्पल जेड स्टोन फॉरेस्ट सिटी की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था यहां तक कि ईजी विंड भी स्तब्ध रह गया गिल्ड सिटी का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी गुप्त मंडप द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी इस विवाद का समर्थन करती थी हालांकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा था हालांकि मुझे नहीं पता कि यहां क्या हो रहा है तथ्य यह है कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी पहले से ही इस हद तक विकसित हो चुका है कि हमें इसकी रक्षा करने की बहुत अधिक उम्मीद है युवान ताइक्सिन ने शहर में हो रहे विभिन्न निर्माणों पर नजर डालने के बाद तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया मुख्य मुख्यालय को तुरंत सूचित करें और उन्हें अस्थायी निवास के माध्यम से सुदृढ़ीकरण स्थानांतरित करने को कहें हमें विभिन्न महाशक्तियों के आने से पहले स्टोन फॉरेस्ट सिटी की सुरक्षा को पूरी तरह से चालू करने की आवश्यकता है गॉड्स डोमेन गिल्ड सिटी जितनी अधिक समृद्ध होगी वह उतने ही अधिक एनपीसी सैनिकों को नियुक्त कर सकता है इस बीच किसी शहर के भीतर के निर्माणों ने उसकी समृद्धि निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई स्टोन फॉरेस्ट सिटी कितना समृद्ध था एनपीसी सैनिकों की भर्ती के मामले में इसे अन्य नव पदोन्नत गिल्ड शहरों की तुलना में कहीं अधिक लाभ होना चाहिए टीयर एक और टीयर दो एनपीसी के बीच बहुत बड़ा अंतर था विशेष रूप से टीयर दो एनपीसी के युद्ध मानक किसी शहर की समृद्धि से प्रभावित होंगे जिस गिल्ड सिटी के लिए उन्होंने काम किया वह जितना समृद्ध होगा उनके युद्ध स्तर उतने ही बेहतर होंगे उदाहरण के लिए गॉड्स डोमेन दिखाई देने वाले कुछ शुरुआती गेट शहरों में से एक को लें इस बिंदु पर इन शहरों द्वारा नियोजित टीयर दो एनपीसी में पहले से ही ट्रायल टावर पांचवीं मंजिल के अंतिम चरण में युद्धमानक थे बुनियादी विशेषताओं में एनपीसी के खिलाड़ियों और उनके उच्च स्तरों पर लाभ को शामिल करते हुए वे बेटियर दो विशेषज्ञों को मार सकते थे जैसे कि वे चींटियों के साथ खेल रहे थे वर्तमान स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तुलना उन पुराने गिल्ड शहरों से नहीं की जा सकती है लेकिन इसके द्वारा नियुक्त टीयर दो एनपीसी सैनिकों को पांचवीं मंजिल के प्रारंभिक चरण या मध्य चरण में युद्ध मानकों का प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए यदि स्टोन फॉरेस्ट सिटी बड़ी संख्या में ऐसे टीयर दो एनपीसी सैनिकों को नियुक्त कर सके तो ये सैनिक एक भयावह ताकत होंगे यही कारण था कि विभिन्न महाशक्तियां अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने के लिए इतनी बेताब थीं एक गिल्ड सिटी अपना प्रमोशन पूरा करने के बाद सबसे कमजोर स्थिति में थी यदि उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट सिटी को अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने की अनुमति दी तो शहर पर कब्जा करने की लागत कई दर्जन गुना अधिक हो जाएगी हालांकि युआन टाइक्सिन और अन्य लोगों द्वारा स्टोन फॉरेस्ट सिटी की समृद्ध स्थिति के बारे में मुखर रूप से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के बावजूद अथर्व ने उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया वह बस मुस्कुराया और मुख्य द्वार से शहर में प्रवेश कर गया यदि उन्होंने सामान्य विधि के माध्यम से स्टोन फॉरेस्ट टाउन को एक बेसिक सिटी में पदोन्नत किया होता तो यह वास्तव में किसी अन्य नव पदोन्नत गेड सिटी की तरह ही समाप्त होता अधिक से अधिक नया स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करेगा और इसकी दीवार ऊंची होगी शहर के अंदर निर्माण अधिकतर पहले की तरह ही रहेंगे हालांकि स्टोन फॉरेस्ट टाउन को गोल्ड टाउन प्रमोशन ऑर्डर करके प्रचारित किया गया था इसलिए शहर के प्रमोशन के बाद इसके अंदर के निर्माणों को भी अपग्रेड किया जाएगा इसे पदोन्नति आदेश का उपयोग करके किसी शहर को अपग्रेड करने का छिपा हुआ लाभ कहा जा सकता है इस बीच बाहर की भीड़ स्टोन फॉरेस्ट सिटी में प्रवेश करने के बाद सभी को एक और आश्चर्य हुआ विशेष रूप से जीरो विन के सदस्यों के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव प्रकट हुए फिलहाल स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मैजिक टावर्स स्पष्ट रूप से अभी भी निष्क्रिय थे फिर भी शहर का मैना घनत्व बेहद अधिक था स्टोन फॉरेस्ट टाउन की तुलना में कम से कम दोगुना अधिक जब इसके तीनों मैजिक टावर्स सक्रिय थे ज्ञात हो कि स्टोन फॉरेस्ट टाउन को पहले से ही खिलाड़ियों द्वारा एक पवित्र प्रशिक्षण मैदान के रूप में माना जाता था क्योंकि यह खिलाड़ियों की पांच इंद्रियों को दस तक सुधारने में सक्षम था हालांकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी का वर्तमान मन घनत्व खिलाड़ियों की पांच इंद्रियों को कम से कम पन्द्रह परसेंट बेहतर बनाने में सक्षम था हालांकि यह केवल पांच परसेंट की वृद्धि थी यह एक खिलाड़ी की प्रशिक्षण दक्षता को कम से कम बीस परसेंट तक बढ़ा सकता था आख़िरकार एक खिलाड़ी की पांच इंद्रियां जितनी अधिक होंगी उनके युद्ध मानकों को बेहतर बनाने में उनकी पांच इंद्रियाँ उतनी ही अधिक उपयोगी होंगी इस बीच जैसे जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ते गए उनके लिए अपनी पांच इंद्रियों में सुधार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता गया अगर सामान्य खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण ले सकें तो वे एक महीने के भीतर पांचवीं भी मंजिल के विशेषज्ञ भी बन सकते हैं जब पर्पल जेड ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के अंदर के वातावरण का अनुभव किया तो उसकी सांसें तेज हो गई सामान्य खिलाड़ियों को यह नहीं पता होगा कि ट्रायल टावर पांचवीं मंजिल का विशेषज्ञ बनने में कितना समय और प्रयास लगा लेकिन सीक्रेट पवेलियन को यह पता था गुप्त मंडप ने विशेष रूप से विषय का विस्तृत विश्लेषण किया था आमतौर पर एक अपेक्षाकृत प्रतिभाशाली खिलाड़ी को सामान्य खिलाड़ी के मानक से ट्रायल टावर पांचवीं मंजिल तक पहुंचने में दो या तीन महीने लगेंगे कहने की जरूरत नहीं है औसत सामान्य खिलाड़ी को यह उपलब्धि हासिल करने में और भी अधिक समय लगेगा हालांकि पर्पल जेड पूर्ण निश्चितता के साथ कह सकता है कि जब तक एक सामान्य खिलाड़ी प्रयास करने को तैयार था वे निश्चित रूप से स्टोन फॉरेस्ट सिटी में एक महीने के भीतर ट्रायल टावर पांचवीं मंजिल तक पहुंच सकते थे महाशक्तियों के रूप में जाने जाने का कारण न केवल उनकी विशाल पूंजी थी बल्कि उनकी उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणालियां भी थीं उनके पास विशेष अनुसंधान दल थे जिन्हें खिलाड़ियों की ताकत में सुधार करने और तेजी से विशेषज्ञ तैयार करने के तरीकों का अध्ययन करने और तैयार करने का काम सौंपा गया था विभिन्न महाशक्तियों ने अपने सदस्यों की ताकत में तेज़ी से सुधार करने के लिए अकल्पनीय मात्रा में समय और संसाधन खर्च किए हालांकि उनके अधिकांश निवेश निराशा में समाप्त हुए इसके अलावा उन्होंने जो प्रशिक्षण विधियां बनाई उनका आनंद केवल कुछ ही खिलाड़ी उठा सकते थे दूसरी ओर स्टोन फॉरेस्ट सिटी एक प्राकृतिक प्रशिक्षण स्थल था इससे न केवल अद्भुत प्रशिक्षण प्रभाव प्राप्त हुआ बल्कि यह बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को समायोजित भी कर सका जब पर्पल जेड ने पूरी तरह से विशेषज्ञ खिलाड़ियों से भरे गिल्ड की कल्पना की तो उसकी खोपड़ी में झुंझुनी जुन हुई सबसे अधिक संभावना है वर्तमान सुपर गिल्ड भी इस विचार से कांप उठेंगे हालांकि जब सीक्रेट पवेलियन और जीरो विंग के सदस्य स्टोन फॉरेस्ट सिटी द्वारा दिए गए लाभों से उत्साहित थे तो शहर से थोड़ी दूरी पर जंगल में अचानक एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया शोर इतना तेज था कि यह पूरे मरे जंगल में गूंज उठा अगले ही पल तीन विशाल ज्वलंत हाथी जंगल से बाहर चले गए प्रत्येक की ऊंचाई एक मीटर तक थी उनके जलते शरीरों के कारण उनके आसपास का स्थान भी धुंधला हो गया ज्वलंत युद्ध हाथी मौलिक प्राणी पौराणिक स्तर पचासी एचपी चार सौ पचास शून्य 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 चार सौ पचास शून्य 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 इन तीन ज्वलंत युद्ध हाथियों के अलावा कई हजार खिलाड़ी भी जंगल से निकले इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी लेवल छियासठ या उससे ऊपर का था और उन सभी ने स्टारलिंक का गिड़ प्रतीक पहना था इस बीच इन खिलाड़ियों का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टारलिंक के वाइस गिड लीडर्स में से एक ब्राइट डॉन था तीन ज्वलंत युद्ध हाथी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बाहर पहाड़ों की तरह मंडरा रहे थे यहां तक कि मरे हुए जंगल के राक्षस भी यह देखकर कांप उठे खिलाड़ी और राक्षस दोनों ही कई सौ गज दूर से युद्ध हाथी की आभा को महसूस कर सकते थे यह पहचानते हुए कि ये जीव सामान्य पौराणिक राक्षसों से भी अधिक मजबूत थे वे इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए युवान टाइक्सिन ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दीवारों से स्टार्लिंक की सेना को असमंजस में देखा हालांकि सीक्रेट पवेलियन के सूचना नेटवर्क के अनुसार स्टार्लिंक ने एक विशाल सेना जुटाई थी लेकिन उसे स्टोन फॉरेस्ट टाउन तक पहुंचने के लिए कई और घंटों की आवश्यकता होनी चाहिए थी हालांकि गुप्त मंडप के लिए अभेद्य रक्षा स्थापित करने के लिए कई घंटे पर्याप्त समय नहीं हो सकते हैं लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी के रक्षात्मक उपायों को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था इससे शहर को बड़ी संख्या में एनपीसी सैनिकों की भर्ती करने का समय भी मिल जाता उन रक्षात्मक उपायों के साथ स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करना काफी कठिन होता शहर अधिक सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करते हुए स्टारलिंक के साथ लड़ाई को खींच सकता था दुर्भाग्य से न केवल स्टार की सेनाएं अपेक्षा से बहुत जल्दी आ गईं बल्कि गिड अपने साथ तीन पौराणिक राक्षस भी लेकर आया था सभी तीन ज्वलंत युद्ध हाथी चमकते दिव्य ऋणों से ढके हुए थे वे स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की शक्ति द्वारा बढ़ाए गए थे और यह स्पष्ट था कि वे सामान्य बुलाए गए प्राणी नहीं थे हालांकि ज्वलंत युद्ध हाथी अभी एकमात्र समस्या नहीं थे सैकड़ों जादुई वर्ग के विशेषज्ञ बुलाए गए राक्षसों के साथ चले इन विशेषज्ञों ने अपने मन को इकट्ठा करके कई दर्जन चमकदार ऊर्जा पत्थरों में एकत्रित किया था जैसे ही इन जादुई वर्ग के विशेषज्ञों ने ऊर्जा पत्थरों को अपने मैना से भर दिया पत्थरों के चारों ओर जादू की श्रृंखलाएं प्रकट होने लगीं जो एक हज़ार गज दूर से परिवेशी मैना को निकलने लगीं एक साधारण गिल्ड विशेषज्ञ के लिए यह केवल ऐसा प्रतीत होगा मानो स्टारलिंक एक शक्तिशाली जादू शायद एक या चार बड़े पैमाने पर विनाश जादू डालने की तैयारी कर रहा था हालांकि युआन टाइक कोई सामान्य विशेषज्ञ नहीं था और वह जानता था कि यह कोई साधारण टेयरचार बड़े पैमाने पर विनाश मंत्र नहीं था बल्कि यह टेयर चार अभिशाप रैंक वाला प्राचीन मंत्र मौलिक विनाश था जहां तक वह जानता था स्टारलिंक जादू को एक पारिवारिक विरासत की तरह मानता था गिल्ड अपने खिलाड़ियों के मैना को इकट्ठा करने के लिए एनर्जी स्टोन्स का उपयोग कर सकता है जो प्राचीन जादू को खिलाता है ऊर्जा पत्थरों का उपयोग अनिश्चित काल तक किया जा सकता है जब डाला जाता है तो मौलिक विनाश की शक्ति उपयोग किए गए ऊर्जा पत्थरों की संख्या पर निर्भर करेगी प्राचीन जादू के लिए कम से कम बारह ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता थी और प्रत्येक अतिरिक्त बारह पत्थर जादू को गुणात्मक रूप से बदल देंगे बारह ऊर्जा पत्थरों के साथ मौलिक विनाश में एक सामान्य टियर चार मंत्र की शक्ति होगी यदि कलाकारों ने 24 ऊर्जा पत्थरों का उपयोग किया तो जादू एक स्तर चार अभिशाप की शक्ति प्रदर्शित करेगा निस्संदेह प्राचीन जादू जितना मजबूत होता गया उसे अपने कलाकारों की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती और कूलडाउन लंबा होता जाता पिछली बार जब स्टारलिंक ने एनर्जी स्टोन्स का उपयोग किया था तो उसने अंधेरे बलों के नियंत्रण में एक भारी किलेबंद शहर को नष्ट कर दिया था गिल्ड ने उस हमले में केवल सत्रह एनर्जी स्टोन्स का इस्तेमाल किया था हालांकि अब स्टारलिंग के जादुई वर्ग के विशेषज्ञों ने अपने मन को उनतीस ऊर्जा पत्थरों में केंद्रित किया है जब उन्होंने मंत्र जारी किया तो मौलिक विनाश में निस्संदेह एक स्तर चार अभिशाप की शक्ति होगी प्राचीन जादू की विनाशकारी शक्ति केवल टियर पांच जादू की तुलना में थोड़ी कमजोर होगी जो कि बेसिक सिटी की रक्षात्मक जादू श्रृंखला को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी जो केवल सामान्य टीयर चार हमलों को रोक सकती है खेल के इस चरण में एक शहर का सबसे प्रभावशाली रक्षात्मक उपाय उसका जादुई अवरोध था जिसके सामने खिलाड़ी अभी भी असहाय थे एक लाख खिलाड़ियों की सेना का पूरे दिन का हमला भी किसी शहर की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को नहीं तोड़ सका वे इसके ऊर्जा भंडार में कोई सेंध भी नहीं लगाएंगे हालांकि यदि रक्षात्मक जादुई श्रृंखला बिखर गई तो शहर की शेष सुरक्षा शहर की तुलना में थोड़ी ही मजबूत होगी स्टारलिंग की सेना ने अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए एपिक रैंक वाले डिफेंसिव ऑर्ब का भी इस्तेमाल किया था हालांकि एपिक डिफेंस की जादुई बाधा का शहर की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला से कोई मुकाबला नहीं था लेकिन यह कुछ टीयर चार हमलों का सामना कर सकता था जब तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षा सेनाएं डिफेंस ओर्ब के मैना को खत्म नहीं कर देती वे स्टारलिंग के खिलाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे गुफा की छत के पास मंडराते विशाल जादुई समूह को देखा कई हजार गज दूर खड़े होने के बावजूद टीम के सदस्य इसकी दबंग आभा को महसूस कर सकते थे अद्भुत तो यह स्टारलिंग का अफवाहित मौलिक विनाश मंत्र है शिंगवूजी ने ऊपर मन के उतार चढ़ाव को सदमे में मजबूत होते देखा उन्होंने मूल रूप से इसे एक और मरे हुए किले पर कब्जा करने के लिए तैयार किया होगा ऐसा लगता है कि स्टार्लिंग वास्तव में स्टोन फॉरेस्ट सिटी से निपटने के लिए बेताब है स्काई ड्रैगन हाउस को मौलिक विनाश मंत्र की कुछ समझ थी क्योंकि उसने अपने स्वयं के कुछ ऊर्जा पत्थर प्राप्त कर लिए थे हालांकि चूंकि गिर्द अभी तक प्राचीन मंत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आवश्यकता तक नहीं पहुंचा था हालांकि ऊर्जा पत्थरों का उपयोग अनिश्चित काल तक किया जा सकता है पत्थरों का कूलडाउन उनके द्वारा संचालित जादू की ताकत के सापेक्ष होगा यदि कोई मौलिक विनाश करने के लिए बारह ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करता है तो पत्थर का कूलडाउन दस दिनों का होगा शेंग बुजी के तर्क के अनुसार मौलिक विनाश करने के लिए उनतीस ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करने से कम से कम बीस दिन का कूलडाउन हो जाएगा जैसे जैसे गॉड्स डोमेन से विकसित हुआ बीस दिन का समय अविश्वसनीय रूप से कीमती था अगर स्टारलिंक ने अपने एनर्जी स्टोन्स का इस्तेमाल स्टोन फॉरेस्ट सिटी के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय प्राचीन मरे हुए देश में एक और किले पर कब्जा करने के लिए किया होता तो वह उस 20 दिन के इंतजार के दौरान किले से भारी मुनाफा कमा सकता था लेकिन चूंकि महाशक्ति जल्दी में थी स्टारलिंक ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को नष्ट करने के लिए उनतीस एनर्जी स्टोन्स का उपयोग करने का विकल्प चुना था वास्तव में गिल्ड थोड़े समय में स्टोन फॉरेस्ट सिटी के जादुई अवरोध को तोड़ने के लिए तीन पौराणिक रैंक वाले फ्लेमिंग युद्ध हाथियों पर भरोसा कर सकता था अत्यधिक लागत के बावजूद स्टारलिंक द्वारा यहां एलिमेंटल डिस्ट्रक्शन का उपयोग करने का एकमात्र कारण यह था कि वह जल्द से जल्द लड़ाई को समाप्त करना चाहता होगा मुझे लगता है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे गिड लीडर ब्लैक ब्राइट डॉन ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा जो स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दीवार पर एक ज्वलंत युद्ध हाथी के ऊपर से आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था आपने मुझे पहले दो विकल्प दिए थे अब मैं आपके लिए भी ऐसा ही करूंगा या तो खो जाओ या मर जाओ चुनना अपनी पिछली मुठभेड़ के दौरान वह अथर्व से डर गया था लेकिन अब स्थिति बदल गई थी उसके आदेश पर तीन स्तर पचासी पौराणिक राक्षसों और एक स्तर चार श्राप रैंक वाले मौलिक विनाश के साथ वह राक्षस स्तर के विशेषज्ञों के एक समूह को भी हरा सकता था अथर्व को तो बिल्कुल भी नहीं बॉस आप उस पर अपने शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हैं आइए हम उसे अपने खजाने और महाकाव्य उपकरण का एक अतिरिक्त टुकड़ा सौंपने के लिए मजबूर करें अन्यथा उसे इस स्थान से जीवित निकलने की कोई आशा नहीं रहेगी यह सही है इतनी लंबी यात्रा के बाद हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं ब्राइट डॉन के विश्वासपात्रों ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की वे सभी तलवारबाज के प्रति अपनी नाराजगी को संतुष्ट करने के लिए अथर्व के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे निःसंदेह उन्होंने जो शर्तें बताई थीं वे एक धोखा थीं वे केवल अथर्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे भले ही उसने अपना खजाना और महाकाव्य उपकरण सौंप दिए हों वे उसे अपनी जान बचाकर भागने नहीं दे सकते थे उनके गिर्ज लीडर लू जिंदलुओं ने व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति की मौत का आदेश दिया था युआन टाइक्सिन और अन्य लोग स्टारलिंग के विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे शोर को सुनकर क्रोधित हो गए हालांकि वे इन मूर्खों को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन इतने कम लोगों के साथ तीन पौराणिक राक्षसों और कई हजार विशेषज्ञों का सामना करना बुद्धिमानी नहीं होगी वे केवल जितना संभव हो उतना समय खरीद सकते थे या स्टार्लिंग द्वारा स्टोन फॉरेस्ट सिटी को नष्ट करते हुए देखने के लिए मजबूर हो सकते थे आप हमारी पिछली मुलाकात में बमुश्किल जीवित बचे थे तुम्हें वास्तव में नहीं आना चाहिए था अथर्व ने ब्राइट डॉन को कृपालु दृष्टि से देखते हुए शांति से उत्तर दिया काला लौ उज्जवल डॉन चिल्ला रहा था उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं तुरंत उन्होंने आदेश दिया मौलिक विनाश के लिए तैयार रहें और स्टोन फॉरेस्ट सिटी को नष्ट करें मैं उसे चाहता हूं हालांकि इससे पहले कि ब्राइट डॉन अपना वक्तव्य समाप्त कर पाता अथर्व ने टियर चार मैजिक स्क्रॉल का खुलासा किया जो उसने आग के भगवान से प्राप्त किया था इसे एक मौलिक स्रोत के साथ सशक्त बनाया उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्क्रॉल को सक्रिय कर दिया अचानक स्टारलिंग के बल के ऊपर एक विशाल जादुई सरणी दिखाई दी जो स्टारलिंग के मौलिक विनाश की तुलना में कहीं अधिक तेजी से मैना को इकट्ठा कर रही थी मैना के उतार चढ़ाव ने इसके आसपास की जगह को भी अस्थिर कर दिया इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता नीली बैंगनी बिजली की एक लकीर गिरी बूम बिजली का बोल्ट आसानी से स्टारलिंग की सेना की रक्षा करने वाले जादुई अवरोध को भेद गया और नीचे के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया बिजली के बोल्ट की सीमा के भीतर प्रत्येक खिलाड़ी तुरंत वाष्पीकृत हो गया हमले के दौरान जगह भी फट गई बिजली गिरने के बाद युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया तीन ज्वलंत युद्ध हाथी जो हमले की सीमा में थे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक दूसरे से अलग खड़े होने के बावजूद बिजली के बोल्ट ने स्टारलिंग की 90 परसेंट से अधिक सेना को समाप्त कर दिया था एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि समय मरे हुए जंगल में थम गया है ओमर ड्रैगन टीम के दोनों सदस्य जो सुरक्षित दूरी से देख रहे थे और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के खिलाड़ी चकित थे जैसे ही धूल जम गई उसे चार सौ गज से अधिक फैला हुआ एक गड्ढा दिखाई दिया नवनिर्मित गड्ढे में हजारों हथियार और उपकरण भर गए इसके अलावा क्रेटर में सबसे घटिया वस्तु भी लेवल पैंसठ गोल्ड रैंक थी यहां तक कि महाशक्तियां भी एक ही स्थान पर इतने सारे शीर्ष स्तरीय आइटमों द्वारा कार्रवाई करने के लिए प्रलोभित होंगी हालांकि युद्ध के मैदान को देखते समय एक भी देखने वाले खिलाड़ी के मन में लालच का कोई विचार नहीं आया बल्कि उनके दिलों पर खौफ हावी हो गया एक ही हमले ने पलक झपकते ही कई हज़ार विशेषज्ञों को मौत के घाट उतार दिया था इसके अलावा वे सामान्य विशेषज्ञ नहीं थे उनमें से अधिकांश खिलाड़ी रिफाइनमेंट क्षेत्र विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी गिल्ड के शीर्ष विशेषज्ञ थे फिर भी वे बिना किसी प्रतिरोध के मर गए थे यह कैसे संभव है युआन टाइक्सिन जिन्होंने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दीवारों से युद्ध के मैदान को देखा था शायद ही इस परिणाम पर विश्वास कर सके स्टारलिंक ने एक एपिक रैंक वाले डिफ़ेंस ऑर्ग का उपयोग किया था एक ऐसा आइटम जो जीरो विन के मूवमेंट प्रकार के रक्षात्मक जादू सरणी से भी अधिक मूल्यवान था और टीयर चार हमलों को सहन करने में सक्षम था यह मैजिक टावर्स के हमले का भी सामना कर सकता है यह रक्षा गोला ही वह कारण था जिसके कारण ब्राइट डॉन ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के एक हज़ार गस के भीतर जाने का साहस किया था डिफेंस ऑर्ब का एकमात्र दोष इसकी परेशानी भरी ईंधन भरने की प्रक्रिया थी उपयोग के बाद डिफेंस ऑर्ब की ऊर्जा को बहाल करने के लिए अधिक मैजिक क्रिस्टल का त्याग करने से पहले खिलाड़ियों को लंबे समय तक इंतजार करना होगा फिर भी स्टारलिंक ने अनैल्डिंग सोल की सेना को कुचलने के लिए इस रक्षा ओर्प पर भरोसा किया था और प्राचीन मरे हुए देश के किले में से एक पर कब्जा करने की गिड़ की योजना को विफल कर दिया था और फिर भी अथर्व ने डिफेंस ओर की जादुई बाधा को एक पल में तोड़ दिया था बैरियर ने बिजली के बोल्ट को भी रुकने नहीं दिया था एक बार जब अवरोध टूट गया तो बिजली का गिरना जारी रहा जिससे स्टार्लिंग के हजारों विशेषज्ञ मारे गए और तीन पौराणिक राक्षस घायल हो गए ब्लैक फ्लेम में कितनी ताकत छिपी है शिंग जो एक सुरक्षित स्थान से देख रहा था एक जादुई दर्पण के माध्यम से तलवारबाज की आकृति को देखकर अचंभित रह गया हेवनली डेमन टीम को मारने में अथर्व की सफलता पहले से ही भयावह थी लेकिन उसने अभी जो शक्ति प्रकट की थी उसकी तुलना में यह बहुत कम थी अगर अथर्व ने पहले यह कदम उठाया होता तो न तो हॉर्नट ड्रैगन टीम और न ही हेवनली डेमन टीम अंडर फॉरेस्ट से जीवित बाहर निकलती उसने उन सभी को राख में बदल दिया होता अथर्व के हमले के तुरंत बाद ब्राइट डॉन जो राख का ढेर था ने ज्वलंत युद्ध हाथी की पीठ पर अपनी पिछली स्थिति में सुधार करना शुरू कर दिया जब उसने अपने सामने विनाश देखा तो उसकी आंखों में सदमा और क्रोध झलक उठा काला ज्योति मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं ब्राइट डॉन चिल्लाया उसकी आंखें खून से लथपथ हो गई स्टारलिंग के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के रूप में गिल्ड ने उन्हें एक प्राचीन पूर्वोत्थान स्क्रॉल दिया था जो उन्हें सामान्य मृत्युदंड के बिना दूसरा जीवन प्रदान करेगा दुर्भाग्य से प्राचीन पूर्वत्थान स्क्रॉल अतुलनीय रूप से कीमती था इसलिए दूसरा प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव था हालांकि स्क्रॉल सबसे महंगा नुकसान नहीं था कई हजार विशेषज्ञों की मृत्यु कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी ये विशेषज्ञ गिल्ड में कोई यादृच्छिक व्यक्ति नहीं थे गिल्ड ने उन सभी को चुना और प्रशिक्षित किया था और उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ट्रायल टावर सातवीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम था इसके अलावा लू झिंगलुओं ने ब्राइट डॉन को स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्ज़ा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में गिर्ड के शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को जुटाने का अधिकार दिया था शोधन क्षेत्र विशेषज्ञ ये सभी खिलाड़ी गिड की जान थे फिर भी अथर्व ने सिर्फ एक चाल से इनमें से दो से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला था गॉड्स डोमेन शामिल होने के बाद से स्टारलिंग को कभी इतना गंभीर नुकसान नहीं हुआ था फिर भी गिर्ड ने न केवल इतने सारे विशेषज्ञों को खो दिया था बल्कि यह ब्राइट डॉन की देखरेख में भी हुआ था ब्राइट डॉन ने तुरंत तीन ज्वलंत युद्ध हाथियों को हमला करने का आदेश दिया एक उग्र दहाड़ के साथ तीन पौराणिक राक्षस स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक जादू श्रृंखला की ओर बढ़े स्टारलिंग के बचे हुए सदस्यों ने भी जवाब दिया और अपने पास मौजूद हर तुरुप के पत्ते से शहर पर बमबारी की कुछ समय के लिए अंडरअ फॉरेस्ट मंत्रों और विस्फोटों की दुनिया बन गया हालांकि तीन ज्वलंत युद्ध हाथी भारी रूप से घायल हो गए थे फिर भी वे पौराणिक राक्षस थे उनके प्रत्येक हमले ने जादुई बाधा के ऊर्जा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकल लिया इस बीच स्टारलिंग के सदस्य जो जोटियर तीन ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे ने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ शहर पर हमला कर दिया लगभग एक हजार खिलाड़ियों के एक साथ आक्रमण करने के कारण उन्होंने रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को भी काफी नुकसान पहुंचाया हमलों के एक दौर के बाद स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला हिंसक रूप से कांपने लगी यह देख शहर के खिलाड़ियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने या तो अपने मंत्रों और तीरों से या लघु बैलिस्टा और रक्षा बुर्ज से हमला किया शहर का एक मैजिक टावर भी सक्रिय हो गया जिसने स्टारलिंग के सदस्यों पर बमबारी की हालांकि गिल्ड के बचे हुए सभी लोग विशेषज्ञ थे और मैजिक टावर हमलों के अलावा उन्होंने आने वाले अधिकांश हमलों को सापेक्ष आसानी से चकमा दे दिया इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक मैजिक टावर के बीच लंबे अंतराल का फ़ायदा उठाया और इस समय केवल एक मैजिक मैजिक टावर दुर्भाग्य से शहर के एनपीसी सैनिक मंत्रों और अन्य लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करके केवल दूर से ही हमला कर सकते थे इनमें से कई एनपीसी बाहर के तीन पौराणिक राक्षसों के कारण अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थे इन एनपीसी सैनिकों को शहर से बाहर भेजना व्यर्थ में अपने जीवन का बलिदान देने से अलग नहीं होगा केवल अथर्व सीक्रेट पवेलियन के शिखर विशेषज्ञ और पवेलियन के दर्जन भर या उससे अधिक टियर तीन बुलाए गए जीव इतने मजबूत थे कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दीवारों के दूसरी तरफ मौका पा सकते थे हालांकि यह कोई बड़े पैमाने की लड़ाई नहीं थी सामान्य विशेषज्ञ और शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ अग्रिम मोर्चे पर तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होंगे मरना मरना काला लॉन मरना ब्राइट डॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक निडर औषधि को गिरा दिया और अपने निडर कौशल को सक्रिय कर दिया फिर उन्होंने और उनके बचे हुए अधीनस्थों ने अथर्व पर हमला कर दिया तीन बूढ़े राक्षस जो ब्राइट डॉन का पीछा करते हुए मरे हुए जंगल तक गए थे वे भी इस आरोप में शामिल हो गए और अथर्व ने उन सभी को पहचान लिया वे तलवार दानव पवन दानव और चार छाया दानवों के हृदय दानव थे जब इन तीन डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक साथ काम किया तो वे हेवनली डेमन टीम और हॉर्नेट ड्रैगन टीम को भी हरा सकते थे निडर औषधि का सेवन करने और अपने निडर कौशल को सक्रिय करने के बाद उनके मूल गुण टीयर चार मानक तक बढ़ गए थोड़े समय के लिए ये पुराने राक्षस समान स्तर के एकल पौराणिक राक्षस भी हो सकते हैं ब्राइट डॉन और फॉर शैडो डेमन्स में से तीन के समन्वित हमले के खिलाफ अथर्व जिसने हेवनली ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय किया था नुकसान में था और लगातार एचपी खो रहा था बेशक यह लड़ाई अथर्व के विरोधियों के लिए भी पार्क में टहलने जैसी नहीं थी हेवनली ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय करने के बाद अथर्व की ताकत अत्याचारी स्तर तक बढ़ गई अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता के साथ वह लगातार अपने दुश्मन के एचपी को नष्ट कर देता है इसके अलावा हेवनली ड्रैगन की शक्ति ने अथर्व को शानदार रक्षा प्रदान की और यद्यपि उसने एचपी खो दिया लेकिन उसने इसे जल्दी नहीं खोया जैसे जैसे समय बीतता गया लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई अधिकांश खिलाड़ियों ने अपने नुकसान को बढ़ाने के लिए अपने कौशल और मंत्रों पर निर्भर रहने के बजाय मैजिक स्क्रॉल और समर्थन टूल पर स्विच कर लिया था जब हार्ट डेमन ने देखा कि अथर्व का एचपी 50 परसेंट तक गिर गया है तो उसने एक क्रिस्टल पुनः प्राप्त किया और इसे एक जादू के साथ मिलकर इस्तेमाल किया अचानक उसके टियर दो स्पेल में टीयर तीन शक्ति थी मित्कीय राक्षसों के प्रतिद्वंद्वी बुनियादी गुणों सहित ऐसे जीव भी उसके बढ़े हुए हमले को नहीं रोक सके अचानक तीस से अधिक जादुई भाले अलग अलग दिशाओं से अथर्व पर उड़े जिनमें से प्रत्येक में टियर चार शक्ति थी इनमें से प्रत्येक भाला हाट दानव के नियंत्रण में था और वे पानी के माध्यम से मछली की तरह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर उड़ गए ऐसा कोई नहीं जिसे हराया जा सके स्वर्ट डेमन ने अपने सबसे शक्तिशाली कौशल स्लैश ऑफ लाइट को सक्रिय किया और उसकी महान तलवार एक शानदार चमक से जगमगा उठी उसने हथियार को अथर्व की पीठ की ओर घुमाया जिससे दूसरे तलवारबाज के पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया आना अथर्व चिल्लाया यहां तक कि उसे मौत का खतरा भी महसूस हुआ और चूंकि वह पहले ही अपने जीवन रक्षक कौशल का उपयोग कर चुका था इसलिए उसके पास ब्लेड लिब्रेशन को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जैसे जैसे उसके मूल गुण आसमान छूते गए उसने अपने ब्लेड के घुमाव से जादुई भाले और चमकती तलवार का मुकाबला किया बिजली की कमी एक काली रेखा के रूप में अथर्व के चारों ओर एक नीली चमक छा गई तुरंत सभी तीस से अधिक जादुई भाले और स्लैश ऑफ लाइट बिखर गए फिर भी नीली रोशनी हमलों को विफल करने के बाद नहीं रुकी तेजी से तलवार दानव और हृदय दानव तक पहुंच गई अंत में कोई भी बूढ़ा राक्षस आने वाले हमले से बच नहीं पाया जैसे ही उनका एचपी शून्य हो गया वे तुरंत मर गए युद्ध क्षेत्र का प्रत्येक विशेषज्ञ स्तब्ध रह गया अकेले अपनी ताकत के दम पर अथर्व ने स्टार्लिंग के चार महान विशेषज्ञों से लड़ाई की थी इन चार खिलाड़ियों में से तीन राक्षस स्तर के विशेषज्ञ भी थे ऐसे अस्तित्व जो विभिन्न महाशक्तियों को भारी सिरदर्द भी दे सकते थे हालांकि अंत में अथर्व न केवल उनके मुकाबले में साबित हुआ बल्कि उसने उनमें से दो को तुरंत मार भी डाला ब्राइट डॉन और विंड डेमन जो स्वर्ड डेमन और हार्ट डेमन से थोड़ा पीछे खड़े थे लगभग सहज रूप से फिसल गए और जैसे ही उन्होंने अपने दो सहयोगियों को गिरते देखा वे अथर्व के करीब जाने की हिम्मत न करते हुए वापस कूद गए उनके और इस भयानक तलवारबाज के बीच दूरी बढ़ने के बाद उन्होंने अथर्व को देखा जो वर्तमान में एक क्रूर जंगली जानवर की आभा बिखेर रहा था क्या वह वास्तव में भेष में एक बूढ़ा राक्षस हो सकता है विंड डेमन ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा स्वोर्ड डेमन और हार्ट डेमन ने निस्ंदेह दिया चार मानक पर बुनियादी विशेषताओं का इस्तेमाल किया था फिर भी अपने गुणों और युद्ध मानकों के संयोजन के बाद भी वे अथर्व के एक भी हमले से नहीं बच पाए थे पवन दानव अब अथर्व की ताकत की था नहीं ले सका हालांकि जिस बात ने वास्तव में विंड डेमन को चौंका दिया वह तलवारबाज का स्वभाव था अथर्व ने अपनी उम्र के व्यक्ति जैसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं किया पहले यदि वह और ब्राइट डॉन अपने साथियों के पीछे नहीं खड़े होते तो उनके पास अथर्व की बदली हुई आभा पर प्रतिक्रिया करने और अपने जीवन रक्षक कौशल को सक्रिय करने का समय नहीं होता अथर्व ने उस आखिरी हमले में उन सभी को मार डाला होगा जब अथर्व ने हमला किया था तब एक कौशल को सक्रिय करने के बीच में अथर्व ने स्वोर्ड डेमन और हार्ट डेमन को वहीं निर्देशित किया था जहां वह उन्हें चाहता था जब खिलाड़ियों ने गॉड्स डोमेन एक कौशल को सक्रिय किया तो उन्हें दूसरे को सक्रिय करने से पहले एक संक्षिप्त क्षण का इंतज़ार करना पड़ा कौशल जितना मजबूत होगा उन्हें उतना ही अधिक समय तक इंतजार करना होगा अथर्व ने इस अंतराल को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा था और सही समय आने का इंतजार किया था वह एक हत्यारे की तरह लड़ा खुद को प्रकट करने से पहले घातक प्रहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था हालांकि स्वोर्ड डेमन और हार्ट डेमन ने अथर्व की आभा में बदलाव को महसूस किया था वे एक कौशल को सक्रिय करने के बीच में थे और अपने दुश्मन की सही टाइमिंग पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे ताकत तकनीक स्वभाव अथर्व तीनों पहलुओं में निर्दोष था आमतौर पर अथर्व जैसे युवा लड़ाके दुनिया की प्रशंसा चाहते हुए अपनी सारी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक रहते थे हालांकि अथर्व के साथ ऐसा नहीं था दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी सेनानी की तरह अथर्व ने आखिरी क्षण तक अपने पत्ते नहीं खोले इसके अलावा उन्होंने हर कार्ड को बखूबी खेला विंड डेमन ऐसे विचारों वाला अकेला व्यक्ति नहीं था यहां तक कि युवान टाइक सिंह जो दूर से देख रहा था आश्चर्यचकित रह गया चूंकि युआन ताइक्सिन अथर्व से मिले थे तलवारबाज ने एक के बाद एक पुरुक का पत्ता प्रकट किया था अपने कई वर्षों के अनुभव के बावजूद युआन ताइक्सिन अथर्व की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सके इसके विपरीत जितना अधिक वह युवक को देखता अथर्व उतना ही अधिक धुंधला होता जाता वह पर्पल जेड जैसे युवाओं जैसा नहीं था जो टेबल पर अपने सभी कार्डों के साथ लड़ते थे इस बीच अब जब स्वोर्ड डेमन और हार्ट डेमन मौजूद तीन छाया दानवों में से सबसे मजबूत हाथापाई और दूरी के लड़ाकू मर चुके थे तो विंड डेमन और ब्राइट डॉन के पास अथर्व को नियंत्रण में रखने का कोई रास्ता नहीं था यदि उन्होंने यह लड़ाई जारी रखी तो कुछ ही समय की बात होगी कि उनकी भी मृत्यु हो जाएगी एक बार जब विंड डेमन और ब्राइट डॉन की मृत्यु हो गई तो स्टारलिंक उन अंतिम विशेषज्ञों को खो देगा जो अंडर फॉरेस्ट में अपनी सेना की कमान संभाल सकते थे तब गुप्त मंडप और जीरो विन के पास युद्ध के मैदान का नियंत्रण होगा काला लॉ मैं मानता हूं कि आप अच्छे हैं मुझे वास्तव में आपसे इतने मज़बूत होने की उम्मीद नहीं थी ब्राइट डॉन ने अथर्व पर व्यंग्य करते हुए कहा जो एक और हमला शुरू करने के लिए तैयार था हालांकि आप आज भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी को विनाश से नहीं बचा सकते डॉन आप संभवतः सोच नहीं सकते जब विंड डेमन ने ब्राइट डॉन की धमकी सुनी तो उसके चेहरे पर भय का भाव छा गया इस अभियान पर निकलने से पहले उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्ज़ा करने और उसे नष्ट करने की तैयारी कर ली थी केवल शहर को नष्ट करना ही अंतिम उपाय माना जाता था न केवल वे स्टोन फॉरेस्ट सिटी खो देंगे बल्कि उन्हें शहर को नष्ट करने के लिए एक उच्च कीमत भी चुकानी होगी जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो उन्हें इस विकल्प से बचना चाहिए था जिस क्षण उन्होंने इस पद्धति का सहारा लिया कोई भी मरे हुए जंगल को जीवित नहीं छोड़ेगा इससे पहले कि विंड डेमन ब्राइट डॉन को रोकने के लिए कुछ कर पाता अंडर नाइट ने अपने बैग से एक काला बीज निकाला हालांकि बीज केवल उसके अंगूठे के आकार का था इसने एक खून जमा देने वाली आभा छोड़ी जो कि पौराणिक श्रेणी के ज्वलंत युद्ध हाथियों की तुलना में भी अधिक मज़बूत थी यहां तक कि सामान्य टीयर दो खिलाड़ी भी दबाव के कारण अपने घुटनों पर गिर जाएंगे और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएंगे अगर वे इस ब्लैक सीड दस गज के भीतर खड़े हों इसके अलावा बीज ने अंधेरे ऊर्जा का एक घना बादल छोड़ा यहां तक कि अथाह रसातल की काली ऊर्जा भी इसकी तुलना में फीकी है जब ब्राइट डॉन ने इस काले बीज का खुलासा किया तो युआन टाइक्सिन और अन्य शिखर विशेषज्ञों को बहुत बुरा लगा अपने मानकों के अनुसार वे अपनी पांचों इंद्रियों को उनकी सीमा तक धकेल सकते थे और उनकी छठी इंद्री उतनी ही तेज थी यही कारण था कि उनके जैसे विशेषज्ञ गॉड्स डोमेन खोज करते समय खतरनाक स्थितियों से बच सकते थे इस बीच जब उन्होंने काले बीज को देखा तो उनकी अंतरात्मा ने चेतावनी देते हुए जोर देकर कहा कि वे भाग जाए जैसे ही युवा टाइक्सिन और उनके साथियों ने अंडरअ नाइट को रोकने के बारे में सोचा जो स्पष्ट रूप से पागल था ब्राइट डॉन ने बीज को जमीन पर फेंक दिया जैसे ही काला बीज मिट्टी से टकराया उसने अपने आसपास से काली ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया और तेजी से बढ़ते हुए एक ऊंचे पेड़ में बदल गया जिस पर एक एकल विशाल काला फल लगा जैसे ही फल जमीन पर गिरा वह टूट गया और मृत्यु और विनाश की आभा उत्पन्न हुई यहां तक कि तीन ज्वलंत युद्ध हाथी जो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के जादुई अवरोध पर हमला कर रहे थे डर के मारे ठिठक गए एक हज़ार गज़ से अधिक दूर के खिलाड़ियों को महसूस हुआ कि उनके शरीर भारी हो गए हैं क्योंकि उन पर तीव्र दबाव पड़ गया है यहां तक की जगह भी जमने लगी थी टूटे हुए फल से सांप की पूंछ वाला एक बकरी के सिर वाला दानव निकला इसके तीन सींग थे जो पन्ने की आग से ढके हुए थे और गहरे काले कवच का एक पूरा सेट पहने हुए थे सटीक रूप से कहें तो यह बख्तरबंद प्राणी कोई राक्षस नहीं था बल्कि एक महान राक्षस था जो अपने सामान्य समक्षों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था मोल्फिन्स मार्कविस राक्षसी प्राणी महान दानव सरसत्तासी एचपी छह सौ चालीस शून्य 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 छह सौ चालीस शून्य 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 काला लॉ क्या तुम इतने कुशल योद्धा नहीं हो अब आप युद्ध से भरपूर हो सकते हैं डार्क सीड महान दानव को जन्म लेते देख ब्राइट डॉन पागलों की तरह हंसा द डार्क सीड का इक्का था जिसे स्टारलिंक ने प्राचीन अंडेट देश में अपने किले की रक्षा के लिए तैयार किया था लेकिन इसकी रक्षा करने के बजाय यह दानव आपसी विनाश सुनिश्चित करेगा यह काला बीज एक महान दानव को बुलाएगा लेकिन सिर्फ एक साधारण महान दानव को नहीं इसने एक महान दानव कुलीन को बुलाया जो और भी भयानक था हालांकि खिलाड़ी इस महान दानव को नियंत्रित नहीं कर सके एक बार बुलाए जाने के बाद यह महान दानव सामने आने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को मार डालेगा यह एक दानव द्वार को भी बुलाएगा गॉड्स डोमेन महाद्वीप में एक राक्षसी सेना को बुलाएगा इसलिए काला बीज विनाश के बीज के समान था ब्राइट डॉन ने मूल रूप से डार्क सीड उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन अथर्व ने उसकी योजनाओं को फिर से विफल कर दिया था और उसे स्टारलिंग के नाम पर एक दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा था इतने जबरदस्त नुकसान के बाद उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अगर उसने डार्क सीड इस्तेमाल किया तो क्या होगा चाहे कुछ भी हो ब्राइट डॉन चाहता था कि अथर्व अपने द्वारा बनाए गए शहर को नष्ट होते हुए देखे और जीरो विंग को नरक में फेंकता हुआ देखे जब युवान ताइक ने महान दानव मोल्फिन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय रूप से गंभीर हो गई सामान्य राक्षसों के विपरीत राक्षसी प्राणियों को उनके रक्तवंश द्वारा अलग किया गया था राक्षसों की रैंक उनके रक्तवंश की शुद्धता पर निर्भर करती थी और दानव की रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी उसकी कुलीन रैंक उतनी ही अधिक होगी इसी तरह शुद्ध रक्त रेखाओं का मतलब मजबूत राक्षसों से है गुप्त मंडप द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर एक विस्काउंट दानव उसी स्तर की पुरातन प्रजाति का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है हालांकि मोलफिन एक मार्गविस्ट था जो विस्काउंट से दो रैंक ऊंचा था युआन टाइक्सिन को कोई अंदाजा नहीं था कि यह महान दानव वास्तव में कितना शक्तिशाली था एक काला बीज अथर्व मदद नहीं कर सका लेकिन ब्राइट डॉन पर अपना सिर हिलाया जो स्पष्ट रूप से पागल हो गया था वाइस गेज लीडर ब्राइट डॉन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था चूंकि तुमने मेरी सलाह मानने से इनकार कर दिया है इसलिए तुम अनिश्चित काल तक यहीं रहोगे फिर अथर्व ने अंधेरे की बाइबिल निकाली और हवा में मंडरा रहे मोल्फिन की ओर अपनी निगाहें डालने से पहले ईश्वरीय प्रोविडेंस को सक्रिय किया फिर उसने एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया दानव शासक अचानक काली काली जंजीरें हवा से प्रकट हुईं और महान दानव को बांध दिया घबराकर मोल्फिन ने जंजीरों के खिलाफ संघर्ष किया लेकिन अथर्व ने बाइबल ऑफ डार्कनेस की आधिकारिक प्रति हासिल कर ली कोई भी महान दानव भी इसकी शक्ति का विरोध नहीं कर सका एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद मोल्फिन की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसने अपनी इच्छाशक्ति दी थी महान दानव मार्क्विस ने फिर अपने चमड़े के पंखों को दो बार फड़फड़ाया और अथर्व की ओर उतरा और सम्मान से खुद को तलवारबाज के पीछे खड़ा कर लिया जब उन्होंने यह देखा तो युद्ध के मैदान में सभी लोग चुप हो गए असंभव जब ब्राइट डॉन ने देखा कि मोल्फिन्स एक नौकर की तरह सम्मानपूर्वक अथर्व के पीछे खड़ा है तो उसकी पागल अभिव्यक्ति की जगह तुरंत सदमे और भ्रम ने ले ली महान दानव मोल्फिन एक आपदा थी जिसे डार्क सीड माध्यम से बुलाया गया था गॉड्स डोमेन कोई भी चीज जिसे आपदा माना जाता था वह पूरे देश को तबाह करने में सक्षम थी टियर चार मार्क्विस के रूप में मोल्फिन्स उसी टियर के विरोधियों के बीच व्यावहारिक रूप से अजय थे कुछ टीयर चार एनपीसी को महान दानव से भागने के लिए भी मजबूर किया जाएगा फिर भी इतने भयानक अस्तित्व ने एक खिलाड़ी के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया ठीक वैसे ही ब्राइट डॉन अकेला नहीं था जो कोई भी देख रहा था वह महान दानव की अधीनता से अत्यधिक सदमे में था एक सेकंड में सभी ने अंडरअड नाइट की अंतिम चाल पर अपनी निराशा और निराशा व्यक्त की थी लेकिन अगले ही पल में अथर्व ने उन्हें दिखा दिया था कि वह चाल वास्तव में कितनी हास्यास्पद थी उसने क्या किया जैसे ही विंड डेमन ने आज्ञाकारी रूप से अथर्व के पीछे खड़े मोल्फिन को देखा उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है डार्क सीड उपयोगकर्ता ब्राइट डॉन ने भी महान दानव को बुलाए जाने के बाद क्लाउड कंट्रोल मोल्फिन को नहीं संभाला था फिर भी अथर्व ने यह उपलब्धि इतनी आसानी से हासिल कर ली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विंड देमन ने इस स्थिति को कैसे देखा यह निश्चित रूप से एक सपने जैसा लगा हालांकि मोलफिंस ने भीड़ को साबित कर दिया कि यह कोई सपना नहीं था वास्तव में यह एक निराशा उत्पन्न करने वाला दोहे था अथर्व के आदेश के तहत मोलफिन ने तीन ज्वलंत युद्ध हाथियों पर हमला किया राक्षसी मार्क्विस और उसके शिकार के बीच कई सौ गज की दूरी मोलफिन के लिए व्यावहारिक रूप से नगण्य थी और वह पलक झपकते ही पौराणिक राक्षसों में से एक के सामने आ गया गर्जन ज्वलंत युद्ध हाथी ने क्रोधित दहाड़ के साथ महान दानव को जवाब दिया प्राणी को समतल करने के लिए सहज रूप से अगला पैर उठाया यद्यपि ज्वलंत युद्ध हाथी भारी रूप से घायल हो गया था उसके मूल गुण सामान्य पौराणिक राक्षसों की तुलना में टीयर चार बुलाए गए प्राणी के रूप में कहीं अधिक थे इसलिए भले ही इसकी चोटों ने इसकी युद्ध शक्ति को सीमित कर दिया लेकिन इसके स्टॉक में टीयर चार ताकत थी युद्ध हाथी के विशाल पैर की तुलना में चार मीटर लंबा मोल्फिन चींटी जैसा दिखता था लेकिन आकार में अंतर के बावजूद मोल्फिन अपनी जगह पर मंडराता रहा बस नीचे उतरते पैर का स्वागत करने के लिए हाथ उठाया बूम! विस्फोट पूरे अंडर फॉरेस्ट में गूंज उठा जिसके परिणामस्वरूप हुए झटके ने आसपास के टियर दो खिलाड़ियों को अपने पैरों से गिरा दिया इनमें से कोई भी खिलाड़ी जीवन भर इसके बाद जो हुआ उसे नहीं भूलेगा मोलफिन ने वास्तव में ज्वलंत युद्ध हाथी के पहाड़ के आकार के पैर को रोक दिया था इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि महान दानव ने एक उंगली का उपयोग करके यह उपलब्धि हासिल की थी ज्वलंत युद्ध हाथी ने कितना भी धक्का दिया वह एक शक्तिहीन शिशु से अधिक मजबूत नहीं था एक हल्के से धक्का से मोल्फिन्स ने मिथिक राक्षस को कई कदम पीछे की ओर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया उनकी शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट था मोल्फिन और ज्वलंत युद्ध हाथी पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे बकवास वह दानव कितना शक्तिशाली है जब युआन ताइक्सिन ने यह दृश्य देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका एक संगठन के रूप में जो मुख्य रूप से सूचना एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करता था सीक्रेट पवेलियन ने गॉड्स डोमेन किसी भी अन्य शक्ति की तुलना में कहीं अधिक डेटा एकत्र किया था स्वाभाविक रूप से मंडप राक्षसी प्राणियों का अध्ययन करने में विफल नहीं हुआ था सीक्रेट पवेलियन के शोध के अनुसार राक्षस केवल अपने असाधारण बुनियादी गुणों के कारण इतने शक्तिशाली नहीं थे बल्कि उनके पास मौजूद कई कौशल और मंत्रों और उनके विशेष रूप से उच्च युद्ध मानकों के कारण इतने शक्तिशाली थे हालांकि युआन डाइक्सिन को पता था कि मार्क्विस रैंक वाला महान दानव बेहद शक्तिशाली था उसने यह नहीं सोचा था कि मोल्फिन इतना शक्तिशाली होगा उस एक आदान प्रदान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मोल्फिन की ताकत ज्वलंत युद्ध हाथियों से कई गुना अधिक थी कौशल मंत्र या युद्ध तकनीक के बिना भी महान दानव आसानी से टेयर चार बुलाए गए प्राणी को मार सकता था हालांकि युवान टाइकसिन को यह नहीं पता था कि अथर्व ने अंधेरे की बाइबिल के साथ राक्षसी मार्क्विस को नियंत्रित किया था दानव शासक के प्रभाव के कारण मोल्फिन के वर्तमान मूल गुण उस समय की तुलना में कहीं अधिक थे जब उसे शुरू में बुलाया गया था मूल रूप से मोल्फिन अधिक से अधिक ज्वलंत युद्ध हाथियों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था दानव शासक के प्रभावों को शामिल करने के बाद राक्षसों के बीच अंतर इतना बढ़ गया हालांकि परिणामस्वरूप मोल्फिन ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और बुद्धि भी खो दी थी जिससे उसके युद्ध मानकों में काफी कमी आई थी कुल मिलाकर मोल्फिन्स की वर्तमान युद्ध शक्ति उस समय की तुलना में थोड़ी कमजोर थी जब महान दानव की स्वतंत्र इच्छा थी बेशक यह तभी सच था जब मोल्फिन खिलाड़ियों के खिलाफ थे राक्षसों के विरुद्ध मोल्फिन की वर्तमान ताकत पर्याप्त से अधिक थी जबकि देखने वाले खिलाड़ी ग्रेट डेमन के इस बर्दस्त प्रदर्शन से स्तब्ध थे ब्राइट डॉन को निराशा का सामना करना पड़ा द डार्क सीड तुर्क का पत्ता था जो प्राचीन मरे हुए देश में अपने किले की रक्षा के लिए आरक्षित था लेकिन न केवल उस ट्रंप कार्ड ने ब्राइट डॉन को विफल कर दिया था बल्कि अथर्व ने इसकी शक्ति पर भी अपना दावा कर लिया था उसे यह लड़ाई कैसे जारी रखनी चाहिए थी हालांकि ब्राइट डॉन के पास अभी भी तीन ज्वलंत युद्ध हाथी थे लेकिन वे मोल्फिन के सामने पूरी तरह से निरर्थक थे एक साधारण हमले से मोल्फिन ने ज्वलंत युद्ध हाथी को पांच शून्य 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 से अधिक की क्षति पहुंचाई थी महान दानव संभावित रूप से बुलाए गए प्राणी की चार सौ पचास शून्य 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 एचपी को दो मिनट से भी कम समय में खत्म कर सकता है कुल मिलाकर मोल्फिन छह मिनट से भी कम समय में तीनों युद्ध हाथियों को समाप्त कर सकता था अपनी वर्तमान स्थिति में स्टारलिंग की सेना को इतने कम समय में स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को नष्ट करने की कोई उम्मीद नहीं थी जिस क्षण तीन ज्वलंत युद्ध हाथियों की मृत्यु हो गई स्टारलिंग की सेना शहर की जादुई बाधा के सामने शक्तिहीन हो जाएगी और शहर के खिलाड़ियों के लिए जीवित लक्ष्य बन जाएगी पीछे हटना यह शब्द ब्राइट डॉन के दिमाग में गूंज उठा मरे हुए शूरवीर ने मुड़ने और भागने से पहले तुरंत आदेश दिया उसे रुकने और इस लड़ाई को जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी हालांकि अथर्व की प्रतिक्रिया ब्राइट डॉन की अपेक्षा से अधिक तेज थी जैसे ही ब्राइट डॉन लड़ाई से दूर हुआ तलवारबाज अंडरअड नाइट के रास्ते में आ गया जैसे ही अथर्व धीरे धीरे ब्राइट डॉन की ओर बढ़ा उसने मुस्कुराते हुए पूछा अब आप जाना चाहते हैं बस तुम रुको ब्लैक फ्लेम हो सकता है आपने स्टार के हमले को रोक दिया हो लेकिन विभिन्न महाशक्तियों के आने के बाद आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे भले ही आप उस दानव को नियंत्रित कर सकें लेकिन इसका समय यहां सीमित है एक बार जब संबंध की अवधि समाप्त हो जाती है तो आपको खड़े रहना होगा और देखना होगा कि आपका शहर नष्ट हो गया है ब्राइट डॉन ने अपनी आंखों में एक पागल चमक के साथ गुर्राया ओह आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अथर्व ने स्वॉर्ड के स्थानांतरण को अंजाम देते हुए कहा अपने टू फोल्ड बरसर के अभी भी सक्रिय होने के कारण ब्राइट डॉन का अथर्व की गति और ताकत से कोई मुकाबला नहीं था इससे पहले कि स्टारलिंग के कमांडर प्रतिक्रिया दे पाते उसका शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया और उसने अपने एचपी के अंतिम अवशेष खो दिए जिस क्षण ब्राइट डॉन की मृत्यु हुई स्टारलिंग की सेना ने अपना कमांडर खो दिया स्टोन फॉरेस्ट टाउन के रक्षकों को तब फायदा हुआ महान दानव मोल्फिन ने पांच मिनट से भी कम समय में सभी तीन ज्वलंत युद्ध हाथियों को मार डाला और स्टारलिंग के भागते हुए सदस्यों का शिकार करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें असहाय भेड़ों के झुंड की तरह मार डाला युद्ध समाप्त होने के बाद ही देखने वाले खिलाड़ी अपनी स्तब्धता से बाहर आए शेंग भूजी विशेष रूप से शब्दों से परे चौंका हुआ था क्योंकि वह दूर से देख रहा था स्टारलिंक ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर कब्जा करने के लिए कई हजार विशेषज्ञों और तीन पौराणिक राक्षसों को भेजा था यहां तक कि एक महाशक्ति को भी ऐसी ताकत को गंभीरता से लेना होगा हालांकि इस सेना का सफाया हो चुका था और इसने अपनी हार से पहले स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षात्मक जादुई श्रृंखला को भी नहीं तोड़ा था इस बीच युद्ध के अप्रत्याशित परिणामों की खबर जंगल की आग की तरह विभिन्न महाशक्तियों में फैल गई कुछ समय के लिए परिणाम ने गॉड्स डोमेन अंदर तक हिलाकर रख दिया स्टारमून किंगडम व्हाइट रिवर ऊंची इमारतें और बड़ी भीड़ शहर के व्यापारिक जिले में भर गई यह दृश्य गॉड्स डोमेन अधिकांश राज्यों की राजधानियों से भी अधिक समृद्ध था वर्तमान में क्रिमसन एम्परर्स गेड प्रतीक पहने एक पुरुष और एक महिला सड़क पर उतरे पुरुष सुंदर राजसी रूप वाला था जबकि महिला सुंदर और बुद्धिमान लग रही थी दोनों खिलाड़ी पहले ही लेवल अड़सठ तक पहुंच चुके थे और यदि उन्होंने अपने लेवल को अपने काले लबादों से नहीं छिपाया होता तो वे जहां भी जाते ध्यान का केंद्र होते जीरो विंग वास्तव में अद्भुत है इसने वास्तव में व्हाइट रिवर्सिटी पावर हाउस में विकसित किया है भले ही जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी हार जाए फिर भी उसके पास गॉड्स डोमेन अधिपति बनने का एक अच्छा मौका होगा इल्यूसरी वर्ड्स ने खिलाड़ियों को बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए देखते हुए टिप्पणी की जीरो विंग द्वारा व्हाइट रिवर सिटी घर पर नियंत्रण करने के बाद व्हाइट रिवर व्हाइट रिवर सिटी आसमान छू गया था जैसे जैसे खिलाड़ी इसके द्वारों से आगे बढ़ते गए शहर व्यावहारिक रूप से हर गुजरते दिन के साथ बदलता गया जबकि खिलाड़ी नियंत्रित नीलामी घरों वाले अधिकांश एनपीसी शहरों में भी काफी सुधार हुआ था व्हाइट सिटी कहीं अधिक स्पष्ट था व्हाइट रिवर सिटी विकास नए खिलाड़ियों की आमद के कारण नहीं बल्कि प्रसिद्ध साहसी टीमों व्यापारी खिलाड़ियों और उच्च रैंक वाले लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के आगमन के कारण हुआ चूंकि नए खिलाड़ियों ने अभी तक गॉड्स डोमेन ज्यादा समय नहीं बिताया था इसलिए उनके पास व्यक्तिगत और वित्तीय ताकत दोनों की कमी थी वे किसी शहर या उसके शासक संघ के लिए अधिक योगदान नहीं दे पाएंगे हालांकि साहसी टीम के सदस्यों व्यापारी खिलाड़ियों और अपेक्षाकृत उच्च मानकों वाले लाइफस्टाइल खिलाड़ियों के लिए यह सच नहीं था विशेषज्ञ खिलाड़ी गेड में शामिल होते ही उपयोगी युद्ध शक्ति बन सकते हैं और व्यापारी खिलाड़ी शहर की आर्थिक शक्ति बढ़ा सकते हैं जहां तक लाइफस्टाइल खिलाड़ियों की बात है वे अपने साथ ऐसा माल लाएंगे जो शहर के लड़ाकू खिलाड़ियों का समर्थन करेगा जिससे बदले में शहर के खिलाड़ियों की विकास गति में वृद्धि होगी नए खिलाड़ी न तो अनुभवी खिलाड़ियों द्वारा शहर में लाए गए लाभों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे न ही वे सत्तारूढ़ गिल्ड के मुनाफे में वृद्धि कर सकते थे क्रिमसन सम्राट ने दो एनपीसी नीलामी घरों को नियंत्रित किया जो दोनों राज्यों की राजधानी शहरों में स्थित थे नीलामी क्षेत्र समाप्त होने के बाद से गिल्ड ने इन दोनों शहरों के विकास में बहुत सारे संसाधनों का निवेश किया था लेकिन दोनों व्हाइट सिटी में कमज़ोर थे अब केवल एक साम्राज्य की शाही राजधानी ही व्हाइट रिवर सिटी गति को पार कर सकती है भगवान के डोमेन के अधिपतियों में से एक बने राजसी व्यक्ति क्रिमसन गेट ने इल्यूसरी वर्ड्स की टिप्पणी पर हल्के से व्यंग्य किया भ्रम आप जीरो विंग के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या आपको लगता है कि अधिपति बनना इतना आसान है किसी को न केवल पर्याप्त विशेषज्ञों और विरासतों की आवश्यकता होगी बल्कि पर्याप्त वित्तीय ताकत की भी आवश्यकता होगी भले ही जीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी हो उसके अधिपति बनने के भविष्य की गारंटी नहीं है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी को अपने पास रखे हालांकि गिल्ड को अभी भी कुछ उम्मीद है जब तक जीरो विंग अपनी जगह स्वीकार करता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है तब तक वह शहर के कुछ मुनाफे को बरकरार रख सकता है अपना स्थान स्वीकार करता है वो भ्रामक शब्दों ने क्रिमसन गेट के शब्दों को धिक्कारने की कोशिश नहीं की जैसे ही उसने सड़क पर विभिन्न अन्य महाशक्तियों के सदस्यों पर नज़र डाली उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी मुझे डर है कि अगर जीरो विंगस्टोन फॉरेस्ट सिटी को स्वीकार कर भी लेता है तो उसे केवल नगण्य लाभ ही प्राप्त होगा स्टोन फॉरेस्ट सिटी में बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ था और कई महाशक्तियां शहर पर कड़ी नज़र रख रही थीं यहां तक कि जिन महाशक्तियों ने जीरो विंग के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी उन्होंने भी अपना मन बदल लिया है और अब गिड़ को शहर के शेयर छोड़ने के लिए मजबूर करने का इरादा कर रहे हैं यह बात क्रिंसन सम्राट के लिए भी सच थी मुनाफे में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए विभिन्न महाशक्तियों ने जीरो विंग के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिनिधियों को भेजा था क्रिमसन सम्राट की जांच के अनुसार व्हाइट रिवर सिटी से ही दस से अधिक महाशक्तियां एकत्रित हो चुकी थीं यह स्थिति पहले से ही एक जीवित दुहेस्वप्न बन गई थी यहां तक कि गॉड्स डोमेन सबसे मूल्यवान साम्राज्यों में भी सात या आठ से अधिक प्रतिस्पर्धी महाशक्तियां नहीं थीं लेकिन अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी के लिए लड़ने के लिए दस से अधिक महाशक्तियां एकत्रित हो गई थीं वे अभी भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के आसपास विभिन्न महाशक्तियों की सेनाओं के इकट्ठा होने का इंतज़ार कर रहे थे यही एकमात्र कारण था कि वे अभी तक जीरो विन के निवास में प्रवेश नहीं कर पाए थे परिणाम पर जीरो विन की राय कोई मायने नहीं रखती अब इसमें कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया है यहां तक कि गुप्त मंडप भी इसे नहीं बदल सकता उपहास करते हुए क्रिमसन गेट ने जारी रखा यदि जीरो विन हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो उसे अपने भविष्य में केवल विनाश मिलेगा यहां तक कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी भी नहीं बचेगी आभासी गेमिंग की दुनिया में कुछ पारलौकिक शक्तियों में से एक के रूप में गुप्त मंडप काफी शक्तिशाली था यहां तक कि साधारण सुपर गिड्स ने भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं की हालांकि सब कुछ कहा और किया जाने के बाद गुप्त मंडप का आभासी गेमिंग दुनिया पर एकाधिकार नहीं था जो कि गॉड्स डोमेन लॉन्च के बाद विशेष रूप से सच था यहां तक कि एक खूंखार बाघ भी भेड़ियों के झुंड को नहीं हरा सकता गुप्त मंडप ने इसे निश्चित रूप से समझा समय आने पर मंडप जीरो विंग को छोड़ देगा जबकि क्रिमसन गेट और इल्यूसरी वर्ड्स बातचीत कर रहे थे और स्टोन फॉरेस्ट सिटी को घेरने के लिए विभिन्न महाशक्तियों की सेनाओं का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे महाशक्तियों के प्रतिनिधियों के बीच हंगामा मच गया जो व्यापारिक जिले के आसपास घूम रहे थे उनके साथ क्या मामला है क्रिमसन गेट ने प्रतिनिधियों को अजीब नजरों से देखा क्योंकि उनके हावभाव काफी बदल गए थे क्या सेनाएं पहले से ही मौजूद हैं नहीं जैसे ही उसने अभी अभी प्राप्त संदेश को पढ़ना समाप्त किया भ्रामक शब्द अचानक फूट पड़े एक जटिल नजर के साथ वह क्रिमसन गेट की ओर मुड़ी और कहा मुझे अभी खबर मिली है कि जीरो विंग ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर स्टार्लिंग के हमले का बचाव किया है स्टार्लिंग हार गया है क्रिमसन गेट ने समाचार से आश्चर्यचकित होकर पूछा वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में स्टार्लिंग उभरती हुई महाशक्तियों में से एक थी अपनी थोड़ी अविकसित विरासत के अलावा गेट कुल मिलाकर क्रिमसन सम्राट से भी अधिक मज़बूत था ऐसा लगता है कि स्टार्लिंग के चौतरफा हमले को रोकने के लिए जीरो विंग अपेक्षा से अधिक मज़बूत है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लोग हैरान क्यों दिखते हैं नहीं ये सब नहीं हमारी अंदरूनी जानकारी के अनुसार स्टोन फॉरेस्ट सिटी में भेजी गई सेना स्टारलिंग को डोट नष्ट कर दिया गया है भ्रामक शब्दों ने गंभीर भाव से उसके साथी को सूचित किया विनाश हो गया असंभव क्रिमसन गेट ने अविश्वसनीय ढंग से कहा किसी ने रिपोर्ट में गलती की होगी मुझे एक नजर देखने दो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो काफी समय से स्टारलिंग से लड़ रहा था वह जानता था कि गिल्ड कितना शक्तिशाली था यदि ऑल आउट हो गया तो यह क्रिमसन एम्परर को भी हरा देगा यदि जीरो विंग ने केवल स्टारलिंग के हमले को रोक दिया होता तो क्रिमसन गेट अधिक से अधिक आश्चर्यचकित होता वह जीत अभी भी कुछ हद तक विश्वसनीय होगी आखिरकार जीरो विंग को न केवल डिफेंडर का लाभ प्राप्त था बल्कि उसे गुप्त मंडप का समर्थन भी प्राप्त था हालांकि यह दावा करना कि जीरो विंग ने स्टार की सेना को नष्ट कर दिया था बिल्कुल बकवास था भले ही स्टारलिंक ने जल्दबाजी में संगठित सेना भेजी थी गिल्ड के दो या तीन हजार विशेषज्ञ काफी दुर्जय होने चाहिए यदि क्रिमसन सम्राट जीरो विंग के स्थान पर होता तो अगर वह अपने शस्त्रागार में सब कुछ का उपयोग करता तो स्टारलिंक की आधी सेना को मारना भाग्यशाली होता आखिरकार स्टारलिंक ने सामान्य विशेषज्ञ नहीं भेजे थे और यदि उन खिलाड़ियों ने पीछे हटने पर ध्यान केंद्रित किया तो उनका पीछा करना और उन्हें मारना बेहद मुश्किल होगा इसलिए स्टारलिंक का विनाश एक मजाक होना चाहिए हालांकि जब उस व्यक्ति ने अपने साथी को प्राप्त संदेश को पढ़ना समाप्त किया तो उसकी अहंकारी अभिव्यक्ति ठिठक गई एक व्यक्ति ने हेवेनली डेमन टीम और हॉर्नेट ड्रैगन टीम को डराकर पीछे हट जाने को कहा था एक आदमी ने स्टार्लिंग के चार बड़े एक्सपर्ट्स को दबा रखा था एक व्यक्ति ने स्टार्लिंग की सेना का वध करते हुए एक महान दानव मार्क्विस को नियंत्रित किया था प्रिम्सन गेट और विभिन्न महाशक्तियों के ऊपरी स्तरों सहित जिस किसी को भी यह समाचार मिला वह अवाक रह गया क्या अथर्व को इस बिंदु पर भी मानव माना जा सकता है अथर्व की लड़ाई की खबर मिलने के बाद व्हाइट सिटी महाशक्तियों के प्रतिनिधि कुछ समय के लिए चुप हो, उनकी हो गए उनकी अभिव्यक्तियां विकृत हो गईं ब्लैक फ्लेम वास्तव में एक राक्षस है वह यहां भी नहीं है और वह अभी भी व्हाइट सिटी को प्रभावित करने में सक्षम है इल्यूसरी वर्ड्स ने चारों ओर देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था प्रिंसन गेट ने खुद को याद करने के बाद कहा मैं मानता हूं कि वह अद्भुत है लेकिन विभिन्न महाशक्तियां ब्लैक फ्लेम की तुलना में उस महान दानव मार्क्विस से कहीं अधिक डरती हैं जैसे ही उसने युद्ध के वीडियो में अथर्व की छवि देखी उसने उपहास किया और जारी रखा लेकिन दिन के अंत में वह उस महान दानव को नियंत्रित करने के लिए केवल कुछ विशेष उपकरण का उपयोग कर रहा है वह इसे हमेशा के लिए नियंत्रित नहीं कर सकता एक बार जब ब्लैक फ्लेम उस राक्षस पर नियंत्रण खो देता है तो वह विभिन्न महाशक्तियों से निपटने की योजना कैसे बनाता है गॉड्स डोमेन एक राक्षस जितना मजबूत होगा उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होगा ऐसे व्यक्ति पर किसी खिलाड़ी का नियंत्रण भी लंबे समय तक नहीं रहेगा एक महान दानव मार्क्विस को कई घंटों तक नियंत्रित करना स्वर्ग विरोधी होगा हालांकि जीरो विंग और सीक्रेट पैवेलियन संभवतः केवल कई घंटों में स्टोन फॉरेस्ट सिटी को कितना मजबूत कर सकते हैं गिल्ड कस्बों और शहरों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी स्टोन फॉरेस्ट टाउन की सुरक्षा में उल्लेखनीय परिवर्तन करने के लिए एक दर्जन घंटे भी पर्याप्त नहीं होंगे आमतौर पर एक गिल्ड सिटी को पूरी तरह से चालू होने में कई दिनों की आवश्यकता होती है और विभिन्न महाशक्तियों की सेनाओं को शहर को घेरने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती है अथर्व अकेले एक महाशक्ति से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है लेकिन बाकी सभी के बारे में क्या क्रिम्पसन गेट की राय में स्टारलिंग को हराकर जीरो विन ने जो कुछ हासिल किया था उसे कुछ और समय मिल रहा था इससे अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा वास्तव में हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि जीरो विन ने पहल की है लेकिन यह केवल एक भ्रम है भ्रामक शब्दों ने सहमति में सिर हिलाया हालांकि मुझे यकीन है कि गिल्द इसे समझता है जीरो विंग को इस समय किसी भी चीज से ज्यादा एक साथी की जरूरत है यदि हम अब जीरो विंग के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक भाग्य सुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए मुझे डर है कि तुम लत हो मायावी जीरो विंग अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत अहंकारी है आखिरकार इसने स्टार्लिंग को हरा दिया है हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है और ग्रेट डेमन की अवधि करीब आती है मुझे यकीन है कि जीरो विंग घबरा जाएगा और स्टोन फॉरेस्ट सिटी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझेदारों के लिए बेताब हो जाएगा क्रिमसन गेट ने हंसते हुए कहा हमें बस गिल्ड से संपर्क करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है एक बार जब गिल्ड पूरी तरह हताश हो जाए तो वह हमारी कोई भी मांग स्वीकार कर लेगा भले ही अथर्व का प्रदर्शन प्रभावशाली था फिर भी वह कई महाशक्तियों के सामने एक कीट था उसने अपने गेट को कुछ और समय के लिए ही खरीदा था क्रिमसन गेट अपने समय का इंतजार करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था अन्य महाशक्तियों के प्रतिनिधि भी चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे ऐसा लग रहा था मानो वे सभी जीरो विन को मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे थे इस बीच युवांताइक सिंह जिन्हें अभी अभी विभिन्न महाशक्तियों के कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट मिली थी वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके निश्चित रूप से इन महाशक्तियों को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है अपने दांत पीसते हुए युआन टाइक्सिन ने अथर्व की ओर देखा और जल्दी से पूछा गिल्ड लीडर ब्लैक क्या आप वास्तव में प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे हैं स्टारलिंग के साथ लड़ाई एक घंटे से अधिक समय पहले समाप्त हो गई थी लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी की ओर बढ़ने वाली विभिन्न महाशक्तियों में से किसी ने भी जीरो विंग या सीक्रेट पवेलियन के साथ संपर्क बनाने का प्रयास नहीं किया था हालांकि युआन टाइक्सिन को गुप्त मंडप की ताकत पर भरोसा था वह जानता था कि एक बाघ को भेड़ियों के झुंड को हराने की कोई उम्मीद नहीं थी यदि उन्हें स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षा के लिए पर्याप्त सहायता नहीं मिली तो संभवतः उन्हें अगली बाधा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा फिर भी जीरो विंग के बढ़ते नुकसान के बावजूद जीरो विंग ने पिछले दो घंटों में सहयोगियों की भर्ती करने का प्रयास नहीं किया था युआन टाइकसिन को पता नहीं था कि तलवारबाज क्या सोच रहा था एक बार जब महान दानव मोल्फिन गायब हो गए तो वे चॉपिंग ब्लॉक पर मछलियां होंगी बिल्कुल नहीं अथर्व ने उत्तर दिया वह आश्वस्त करने वाला है गुप्त मंडप में विभिन्न महाशक्तियों के जासूस होते हैं उनके इरादों का पता लगाना कठिन नहीं होना चाहिए आप अपना कदम कब उठाने की योजना बना रहे हैं गेज लीडर ब्लैक युवान टाइक्सिन ने अंदर ही अंदर राहत की सांस लेते हुए पूछा उन्हें चिंता थी कि अथर्व स्टोन फॉरेस्ट सिटी के शहरों पर कब्जा कर लेगा और उन्हें किसी भी कीमत पर बेचने से इनकार कर देगा यदि ऐसा होता तो जीरो विंग और सीक्रेट पवेलियन दोनों को सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ता हालांकि अगर अथर्व दो या तीन और सहयोगियों को शामिल कर सके तो उनकी स्थिति को संभालना आसान हो जाएगा कम से कम वे स्टोन फॉरेस्ट सिटी की रक्षा करने में सक्षम होंगे एकमात्र समस्या शेयर आवंटित करने की होगी लेकिन अथर्व ने अपनी नज़र अपने पास मौजूद महान दानव पर डाली और शांति से कहा उसके मरने के बाद हमें हिलने डुलने में सक्षम होना चाहिए जब अथर्व ने अपनी बात खत्म की तो उनके आसपास का माहौल स्तब्ध हो गया युआन टाइक्सिन उस आदमी की ओर घूरने से खुद को नहीं रोक सका यह मजाक करने का समय नहीं है ब्लैक फ्लेम युआन टाइक्सिन लगभग अवाक रह गया और उसने अथर्व की ओर देखा महान दानव मोल्फिन ही एकमात्र कारण था जिसके कारण विभिन्न महाशक्तियां इस समय जीरो विन से डर रही थीं एक बार जब मोल्फिन की मृत्यु हो गई तो जीरो विन स्टारलिंक को हराने से अपना लाभ खो देगा विभिन्न महाशक्तियों का समय बर्बाद करने के कारण गिल्ड की स्थिति और भी खराब हो सकती है फिर भी इस तलवारबाज ने उसे अभी बताया था कि वे मोल्फिन को मरते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे अगर किसी और ने ऐसा बयान दिया होता तो युवा टाइकसिन शायद गुस्से में आ जाते और उन्हें पीट पीट कर मार डालते मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अथर्व ने अपने सामने बुदबुदाते बुजुर्ग को देखकर हंसते हुए कहा डार्क सीड गॉड्स डोमेन प्राकृतिक आपदा के बराबर था यह राज्यों को बर्बाद करने और साम्राज्यों को तबाह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली उपकरण था अतीत में कोई भी शक्ति जिसने डार्क सीड किया था उसने आइटम को अंतिम ट्रंप कार्ड के रूप में आरक्षित किया था यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपने दुश्मनों को हरा देगा भले ही उसे आपसी विनाश सहना पड़े हालांकि एक बात थी जो वर्तमान खिलाड़ियों को डार्क सीड बारे में नहीं पता थी हालांकि डार्क सीड विनाशकारी वस्तु थी यह एक सुनहरा अवसर भी था एक बार जब डार्क सीड साथ बुलाए गए दानव की मृत्यु हो गई तो उसे डार्क डार्क टावर को गिराने की गारंटी दी गई डार्क टावर का निर्माण काफी सरल था वास्तव में यह ब्लूप्रिंट से अधिक एक आह्वान था हालांकि डार्क टावर पीक निर्माण नहीं था यह जितना संभव हो उतना करीब था यहां तक कि तत्वों के चार टावर भी उतने शक्तिशाली नहीं थे जैसे ही अथर्व चुप हुआ मोलफिन पीड़ा से चिल्लाने लगा क्योंकि चांदी की आग उसके शरीर को भस्म करने लगी और राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा मोलफिन की मौत से जीरो विंग और सीक्रेट पवेलियन के सदस्य स्तब्ध रह गए वे सभी ऐसे भयभीत होकर घूर रहे थे मानो उन्हें अभी अभी मृत्युदंड मिला हो एक बार जब मोलफिन चला गया तो उसके स्थान पर एक सुनहरे किनारे वाला गुम्बद जमीन पर दिखाई दिया ठुमके से निकलने वाली डार्क एनर्जी डार्क सीड कमज़ोर नहीं थी जैसे ही डार्क एनर्जी ने उन्हें छुआ निकटतम खिलाड़ियों को अविश्वसनीय रूप से असहज महसूस हुआ डार्क टावर शब्द पुस्तक के कवर की शोभा बढ़ाते हैं कितनी सशक्त किताब है इसकी आभा इतनी प्रबल है कि मेरा दिल धड़क उठता है पर्पल जेड उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब उसने ग्रेट डेमन मोल्फिन्स के स्थान पर दिखाई देने वाले डार्क टावर को देखा आमतौर पर गॉड्स डोमेन आइटमों में आभा नहीं होती थी लेकिन जिनमें आभा थी वे असाधारण थे गुप्त मंडप के मुख्य सदस्यों में से एक के रूप में पर्पल जेड ने कई वस्तुएं देखीं जिनसे आभा निकल रही थी ऐसा कहा जा रहा है कि वह उन वस्तुओं की संख्या गिन सकती है जिनका उसने सामना किया था जो उसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर सकती थीं इसके अलावा वे वस्तुएं आमतौर पर किसी प्राचीन देवता द्वारा छोड़े गए उपकरण थे आज तक उसने इतनी शक्तिशाली आभा वाली कोई किताब नहीं देखी थी मुझे डर है कि यह विभिन्न महाशक्तियों को अपनी चाल चलने के लिए प्रेरित करेगा मोल्फिन को गायब होते देखने के बाद युवान ताइक्सिन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ टिप्पणी की पर्पल जेड़ के विपरीत वह महान दानव द्वारा गिराए गए ठुमके पर ध्यान देने के मूड में नहीं था महान दानव मोल्फिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी का सुरक्षा आकर्षण था जो किसी भी शक्ति को हमला करने से रोकता था जीरो विंग के किसी भी दुश्मन को उस राक्षस को हराने का भरोसा नहीं था जो टियर चार प्राणियों के बीच व्यावहारिक रूप से अजय था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विभिन्न महाशक्तियों ने प्रत्येक सदस्य को संगठित किया हो हालांकि मोलफिन के बिना विभिन्न महाशक्तियां अब शहर पर हमला करने से नहीं डरेंगी यहां तक कि तीन बुलाए गए पौराणिक राक्षस भी विभिन्न महाशक्तियों को विराम नहीं दे पाएंगे अब जब मोलफिन चला गया था तो गुप्त मंडप और ज़ीरो विंग के भीतर महाशक्तियों के जासूस मामले की रिपोर्ट करने के लिए अपने गिल्ड के पास पहुंचे ज्यादा समय नहीं बीता जब महाशक्तियों की सेनाएं स्टोन फॉरेस्ट सिटी के आसपास एकत्रित हो गई और सीक्रेट पैवेलियन और जीरो विंग ने अभी तक कोई और सहयोगी हासिल नहीं किया था यदि केवल तीन से पांच महाशक्तियां ही शहर को निशाना बना रही होती तो वे ठीक हो सकते थे गुप्त मंडप के पास शहर की रक्षा करने का मौका होगा हालांकि लड़ाई कठिन होगी दुर्भाग्य से दस से अधिक महाशक्तियां शहर की ओर बढ़ रही थीं और उनमें से कुछ मंडप जितनी ही शक्तिशाली थीं यह अब कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसे सीक्रेट पवेलियन और जीरो विंग अकेले जीत सकते थे इसके अलावा सीक्रेट पवेलियन ने पिछले दो घंटों के भीतर केवल अतिरिक्त पांच विशेषज्ञों को स्टोन फॉरेस्ट सिटी में स्थानांतरित किया था स्टोन फॉरेस्ट सिटी अथाह रसातल के भीतर स्थित था और क्षेत्रीय कालकोठरी के कठोर वातावरण के कारण सामान्य विशेषज्ञ यहां युद्ध में तोप के चारे से कुछ ही अधिक होंगे केवल मजबूत विशेषज्ञ ही किसी काम के होंगे हालांकि गुप्त मंडप ने इन विशेषज्ञों को उनके उपयोग को अधिकतम करने के लिए गॉड्स डोमेन विभिन्न स्थान सौंपे थे और उनमें से हर कोई अपने स्वयं के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त था इतने कम समय में इन विशेषज्ञों को एक जगह इकट्ठा करना असंभव होगा हालांकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला करने वाली विभिन्न महाशक्तियों के मामले में भी यही स्थिति थी जब दस से अधिक महाशक्तियां एक साथ आती थीं तो उनकी विशेषज्ञ शक्ति आश्चर्यजनक होती थी जैसा कि युआन टाइक सिंह ने अनुमान लगाया था महान दानव के राख में बदलने के तीस सेकंड से भी कम समय में दुश्मन महाशक्तियों को मोल्फिन की मौत की खबर मिली अच्छा अच्छा, अच्छा ब्लैक फ्लेम आइए देखें कि क्या आप अब उस अहंकार का समर्थन कर सकते हैं ब्राइट डॉन जो स्टारलिंग के किले में पुनर्जीवित हो गया था जब उसे खबर मिली तो उसने एक उन्मादपूर्ण मुस्कान प्रकट की स्टोन फॉरेस्ट सिटी की प्रारंभिक लड़ाई में स्टारलिंग की सेना का सफाया हो गया था सेना के कमांडर के रूप में अपनी विफलता के लिए उत्पीड़न से बचना काफी कठिन होगा हालांकि स्टारलिंग उनकी व्यक्तिगत ताकत के कारण उन्हें गिल्ड से बाहर नहीं निकालेगा लेकिन वाइस गिर्ड लीडर के रूप में उनके दिन गिने चुने थे तथ्य यह है कि अब उसे जीरो विंग को स्टोन फॉरेस्ट सिटी में हारते हुए देखने को मिलेगा जिससे उसके निराश दिल को राहत मिली नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बारह महाशक्तियां स्टोन फॉरेस्ट सिटी की ओर अपनी सेनाएं बढ़ा रही थीं उनमें से दो सबसे मज़बूत ताकतें स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर थीं बाकी लोग क्रिमसन सम्राट के बराबर थे कुल मिलाकर बारह महाशक्तियों ने इस युद्ध के लिए लगभग पचास हज़ार विशेषज्ञों को भेजा था इन पचास हज़ार खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी विशेषज्ञों में विशेषज्ञ था प्रथम श्रेणी के गिल्ड में वे सभी गिल्ड के ट्रंप कार्ड दिग्गजों के सदस्य होंगे इसके अलावा उनमें से काफी लोग शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे यहां तक कि प्राचीन मरे हुए देश में स्टार्लिंग की सेनाओं को भी इस सेना के खिलाफ मौका नहीं मिलेगा स्टोन फॉरेस्ट सिटी का तो जिक्र ही नहीं इस बीच व्हाइट रिवर सिटी जिले में विभिन्न महाशक्तियों के प्रतिनिधि मोल्फिन की मौत के बारे में सुनकर स्तब्ध रह गए जीरो विन में क्या खराबी है महान दानव के पतन के बाद से इसने किसी भी महाशक्ति से संपर्क नहीं किया है क्या ब्लैक फ्लेम ने अपना दिमाग खो दिया है नवीनतम रिपोर्ट पढ़ने के बाद इल्यूसरी वर्ड्स ने अविश्वसनीय टिप्पणी की यदि जीरो विंग ने अन्य तीन या चार महाशक्तियों के साथ गठबंधन किया होता तो मामला सुलझ जाता हालाँकि गिल्डस्टोन फॉरेस्ट सिटी के शहरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगा फिर भी यह शहर के मुनाफे में कटौती रखेगा जीरो विंग ने पहले ही विभिन्न महाशक्तियों के सामने अपनी ताकत साबित कर दी थी और वे अपनी बातचीत में बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे हालांकि जीरो विन ने अभी भी एक महाशक्ति तक पहुंचने से इनकार कर दिया जिसके कारण मामूली गेट के बीच अस्थायी गठबंधन हुआ अब जीरो विन को स्टोन फॉरेस्ट सिटी के भीतर कोई शक्ति बनाए रखने की कोई उम्मीद नहीं थी क्रिम्सन गेट ने क्रोधित होकर कहा ऐसा लगता है कि स्टारलिंग पर जीत के बाद ब्लैक फ्लेम का अहंकार हद से ज्यादा बढ़ गया है उसे हम पर निर्दयी होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह शहर को अपने पास रखना चाहता है क्रिमसन गेट ने मान लिया था कि जीरो विंग ग्रेट डेमन मोलफिन्स को खोने से पहले विभिन्न महाशक्तियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दौड़ेगा उन्होंने क्रिमसन सम्राट की सहायता के लिए कीमत पेश करने से पहले गिल्ड को कुछ समय के लिए लटकाए रखने की योजना बनाई थी दुर्भाग्य से उसका धैर्य व्यर्थ हो गया था चूंकि जीरो विंग ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था क्रिमसन सम्राट के पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी के संघर्ष में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था बारह महाशक्तियां शहर की ओर बढ़ रही थीं और गुप्त मंडप को शामिल करने के बाद क्रिमसन सम्राट को शहर के शेयरों का एक बड़ा प्रतिशत हासिल नहीं होगा व्हाइट रिवर सिटी महाशक्ति उच्च वर्ग ने क्रिमसन गेट की भावनाओं को साझा किया वे सभी जीरो विंग के व्यवहार से क्रोधित थे लगभग अपने गिल्ड की सेनाओं से संपर्क करने और अपनी सेनाओं को पूरी गति से स्टोन फॉरेस्ट सिटी की ओर जाने का आदेश देने के इच्छुक थे इसके विपरीत जब युवान ताइक्सिन को महाशक्तियों की गतिविधियों पर रिपोर्ट मिली तो वह एक बीमार श्वेत व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगा जीरो विंग के सदस्यों के साथ भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी में केवल एक लाख से कुछ अधिक खिलाड़ी थे लेकिन जीरो विंग के अधिकांश सदस्य सामान्य विशेषज्ञ और विशिष्ट खिलाड़ी थे विभिन्न महाशक्तियों की पचास हजार विशेषज्ञों की संयुक्त सेना की तुलना में दोनों पक्षों की ताकत के बीच अंतर बहुत बड़ा था फिर भी अपने आसन विनाश के बावजूद अथर्व ने इतमीनान से जमीन पर एक जादुई सरणी बनाई उन्होंने एनपीसी सैनिकों की भर्ती करने या सिल्वर विंग टाउन के कुछ विशेषज्ञों को बुलाने के लिए कुछ नहीं किया अंकल युवान हमें क्या करना चाहिए गिल्ड लीडर हर संभव विशेषज्ञ को जुटा रहा है और उसने गिल्ड के कुछ कार्यों को भी छोड़ दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे विशेषज्ञ जल्द से जल्द यहां पहुंच सकें हालांकि उन विशेषज्ञों के साथ भी मुझे डर है कि हम अभी भी अपने दुश्मनों की युद्ध शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते पर्पल जेड ने अपने वरिष्ठ को नवीनतम रिपोर्ट के बारे में सूचित करते हुए कहा अब तक स्टोन फॉरेस्ट सिटी में गुप्त मंडप में छह से अधिक विशेषज्ञ थे जो महाशक्तियों की संयुक्त सेनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं था मामले को और भी बदतर बनाने के लिए गुप्त मंडप की सेनाएं उनके दुश्मनों की तरह उच्च गुणवत्ता वाली नहीं थीं हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है युवा ताइक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उस पल में अधर्व ने अंत अपनी जादुई रणनीति को पूरा करते हुए अंतिम स्ट्रोक लगाया सरणी तुरंत सक्रिय हो गई और एक और जादुई सरण स्टोन फॉरेस्ट सिटी जितनी बड़ी शहर के ऊपर दिखाई दी यह चांदी की रोशनी से चमक रहा था और इसमें मौजूद उग्र मन ने शहर के विशेषज्ञों को बेचैन कर दिया जैसे ही यह श्रृंखला पूरी हुई चांदनी रात की तरह घुप काले अंधेरे ने मरे हुए जंगल को निकल लिया पांच सेकंड के बाद शहर के ऊपर एक लगातार बढ़ता हुआ स्थानिक आंसू दिखाई दिया अगले तीन सेकंड के बाद आंसू एक विशाल ब्लैक होल बदल गया ब्लैक होल सारी रोशनी निकल ली और कोई भी खिलाड़ी भीतर कुछ भी नहीं देख सका हालांकि वे इस घटना से उभरती हुई एक तीव्र आभा महसूस कर सकते थे जैसे कि समय और स्थान स्थिर हो गए हों शहर का प्रत्येक खिलाड़ी मौन में घूर रहा था क्योंकि 100 मीटर पांच मंजिला टॉवर शहर के केंद्र में गिरा था वह क्या है डार्क एनर्जी इतनी सघन कैसे हो सकती है युआन टाइक्सिन आश्चर्यचकित था वह उस टॉवर से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था जो अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी की शोभा बढ़ा रहा था यहां तक कि टॉवर की आभा के प्रभाव में उसे हिलने डुलने में भी संघर्ष करना पड़ा वह अपनी युद्ध शक्ति का 10 परसेंट प्रदर्शित करने में भाग्यशाली होगा ऐसी अवस्था में एक साधारण विशेषज्ञ भी उसे हरा सकता था इसका नाम डार्क टावर अथर्व ने संतुष्ट मुस्कान के साथ घोषणा की बेशक आप इसे इसके दूसरे नाम से भी संदर्भित कर सकते हैं मौत की मीनार